Yeah, so guys, I have Colonel Rajiv with me, and we share a very close academy ties because we are just 6 months up and down. So हम लोग वो जनरेशन के 1999 वाली जनरेशन से बोथ ऑफ अस. सो इट इज अच्छा ऑलवेज प्लेजर टू मीट समवन, एंड आई एम सो ग्लैड राजीव से कनेक्ट हुआ. सो इट्स अ प्लेजर ऑलवेज. सो राजीव, कैंड ऑफ सर, थैंक यू सो मच सर। सो राजीव, माय फर्स्ट क्वेश्चन, यू नो लाइक सारे जैसे लॉर्ड ऑफ फौजीज, तो व्हाट वाज द रीजन फौज ज्वाइन करना, ना वाज इट यू नो बचपन से था या फैमिली प्रेशर या जस्ट लाइक दैट? सर प्रेशर कसम से बता रहा हूँ, किसी चीज का नहीं था, ये कीड़ा सर मेरे में ही था सर। ये समझो सर, ना बचपन से मेरे को लगता था सर कि फौज में नहीं आया तो जान जा सकती है मेरी, मतलब इट वाज पैशन टू दैट एक्सटेंट सर। आई स्टिल रिमेम्बर सर, एंड द ओनली डेफिनेशन ऑफ फौज वाज माय फादर सर। ही वाज इन बीएसएफ एंड आई हैव सीन हिम सर, अ वेरी सिंपल मैन बट फिजिकली वेरी वेरी टफ एंड काम में, दैट पीपल यूज्ड टू एक्चुअली एडमायर हिम फॉर व्हाट ही वाज, एंड आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ माय फादर सर। सो हमेशा लगता था ना कि यूनिफॉर्म में फौजी ऐसा होता है तो वही बनना था सर। शेड्स का कलर का तो नहीं पता था इतना, बीएसएफ सीआरपीएफ आदि की कैसे होती, बट इतना पता था यूनिफॉर्म में बंदा ऐसा होता है, मजबूत है ना, ऐसा बनना है। सो बहुत था सर, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ज्वाइन आर्मी। इनफैक्ट स्कूल में सर, माय फ्रेंड्स दे रिमेंबर मी, है ना, वो छोटी छोटी डायरी लिखवाते हैं ना सर सारे, है ना, दोस्त डिजायर फिगरिंग कि भाई आप क्या बनोगे, एवरीबॉडी यूज्ड टू राइट समथिंग, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। हमेशा सबकी डायरी में यही लिखा हुआ है, व्हेन वी मेट फॉर द रियूनियन सम टाइम बैक, दे शो कि इतने साल पहले तूने ये लिखा था भाई। यस, दैट वाज द ओनली थिंग सर इन माइंड। एंड स्कूल में भी कई बार ना नाम लिख के आगे लिखते थे पीवीसी पोस्टमस, बड़ा शौक था ना कि चाहे पोस्टमस हो जाओ लेकिन भैया ये कुछ करना है फौज में। तो बहुत असर मन में है ना, उसके समय मुझे लगता था जान चली जाएगी फौज में नहीं गया तो वो तो करना ही था सर। एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रेशर, नो प्रेशर एट ऑल। So sir, like father, he was in BSF, na? Sir was in BSF. Yes, sir. He was in BSF. So I think naturally that comes. So fitness wala, jaise bola sir, was super fit. So I think you carry that legacy. You carry that sir, legacy. He was actually, sir, it is recorded in documents, sir, in the magazine, sir, in BSF magazine. Sir, he used to do apna 9 feet wall with 10 rifles and one go, sir, back to back. So you can imagine, sir, and abhi bhi sir, he is 76. I can vouch for it, sir. मतलब मैं कमांड में ना सर ऑफिसर्स को और जवानों को सभी बोलता था कि मैं, if you guys are young young ना, then I'm the youngest. I hold that title. I held the title till the time I was there in command. But who's the youngest? So they used to say, sir, youngest of you. Okay, good. And I used to say कि मैं भैया चेक रखा है, ले जाओ anybody you know who have my happiness. You beat me and you take this check. But that was intact till the time I was there in the command. बट अभी उनको देखता हूँ सर, ही 76 ईयर सर एंड यंग मैन सर, टच वर्ड। सुबह 4:30 बजे खड़े होते हैं सर, जितना वो काम करते हैं और जिस शिद्दत से करते हैं ना सर, आई एम टेलिंग यू सर, मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं कहीं 10% भी उनके आसपास कहीं स्टैंड करता हूँ। सो एम इज स्टिल माय गुडनेस सेम थिंग कि यू नो टू समथिंग लाइक दैट यंग ओल्ड मैन इज एक्चुअली एन मिस्टर। ओह ओके ओके, अभी सर वेट अ सर थिंग सर, ही स्टेइंग इन माय होम टाउन हिसार, एक डिस्ट्रिक्ट है सर क्लोज टू दिल्ली, अबाउट 168 किलोमीटर, सो ही स्टेइंग देयर विद माय मदर। ओके ओके, हां जी सर, ग्रेट ग्रेट। सो आर्मी आर्मी ही एक चॉइस था या नेवी एयरफोर्स भी कभी सोचा कि नेवी या एयरफोर्स में भी जा सकता हूं? सर झूठ नहीं बोलूंगा कसम से, दिस वाज द ओनली चॉइस सर। आई वाज एनसीसी में इवनिंग कैडेट था सर, मैं आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट एंड वेंट फॉर अपना ट्राई कॉम्पिटिशन, वहां पे भी मैं करके आया। एंड एयरविंग इसलिए नहीं लिया था सर कि बिकॉज है ना एयरविंग मुझे पसंद थी, एयरविंग इसलिए ली थी मैंने बिकॉज वो खाकी वाली ड्रेस नहीं पसंद थी मुझे आर्मी की ना। आई फेल्ट कि मैं आई विल लुक लाइक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आई सेड मैं नो। एंड एयरफोर्स यू नो यू लुक गुड, तो एयरफोर्स में भी एनसीसी में जब वो ड्रेस उन्होंने इशू किया सर, आई सेड मैं नो, ये इशू वाला नहीं पहनना। सो आई आस्क्ड माय डैड, मैंने कहा कैसे चाहिए, मुझे यूनिफॉर्म सिलवानी है यू नो। सो अपनी स्टिचिंग के हिसाब से आई इंश्योर दैट मतलब इट शुड बी इंपेक्टेबल बेयरिंग, एंड व्हेन आई वेयर यूनिफॉर्म लगनी चाहिए क्या यूनिफॉर्म की तरह नहीं है। सो उसके बाद से ट्राई भी नहीं किया कभी एयरफोर्स या एनसीसी के थ्रू, एंड थ्रू एग्जाम सीरीज एंड देन ओटीए। अभी भी यू कैरी दैट चार्म इन दैट यूनिफॉर्म, व्हाटएवर यूनिफॉर्म के फोटोज, यू नो आई आई सी योर यूनिफॉर्म फोटोज,
एकदम जबरदस्त है थैंक यू ना। नहीं सर पता है समाओ है ना आई यूज्ड टू टेल है ना मैं वैसे तो सर बीइंग देयर वाज लॉट ऑफ लैटिट्यूड इन द यूनिट वेयर आई वाज इन डिमांड एंड होता भी है सर व्हेनेवर टाइटल जहां लग जाता थोड़ा सा आपके आगे पीछे स्पेशल ना तो देन यू एक्चुअली ट्रीट योरसेल्फ इन अ स्पेशल वे। सो बेल टोपी मेरे को उससे ज्यादा पहनने में विश्वास नहीं था जरूर था तो पहनो है ना अदरवाइज वो सेरेमोनियल वाली फीलिंग आती है तो बेल टोपी साइड में वो काम पे ध्यान दो है ना। मुझे लगता था कि बेल टोपी लगा ली कोई पनिशमेंट के लिए या तो मैं किसी को देने जा रहा हूँ या कोई मुझे पनिशमेंट देने वाला है सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ फीलिंग। बट हाँ मैं टोकता भी सिर्फ तभी था सर जब किसी को देखता हूँ ना लूज बेल्ट लगा रखी है या यूनिफॉर्म ढीली ढाली है उस समय एक्चुअली सर फिर है ना आई यूज टू फील चीज ऑफ मैं यार यूनिफॉर्म अगर पहनो ना तो फिर ऐसा लगना चाहिए तुम्हारा अवतार ही है यूनिफॉर्म पहनने के लिए यू नो डोंट एम्बैरस इट बेल्ट ढीली है। सम टाइम वी सी पुलिस वाला एंड वी मेक कमेंट्स सर है ना कि यू नो पेट आगे की तरफ भाग रहा है एंड यू नो पीछे की तरफ भी मतलब काफी अच्छी हेल्थ दिख रही है एंड देन डोंट वेयर द यूनिफॉर्म यू फील बैड एट टाइम्स है ना कोई भी हो चाहिए एग्जैक्टली आर्मी और पुलिस एनीवेयर सो दैट इज एग्जैक्टली सर। स्कूलिंग स्कूल वगैरह वाज अ नॉर्मल स्कूल या यू नो द फौजी टाइप ट्रेनिंग स्कूल टाइप सर एज फादर वाज इन बीएसएफ तो स्कूल चेंज होते रहे बट मोस्ट ऑफ अस मोस्ट ऑफ द टाइम सर आई हैड डन केवी आई एम केवी प्रोडक्ट सर बेसिकली एंड जो बेस्ट ईयर सर इज 9th टू 12th दैट आई स्टडीड इन बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर एकेडमी इट्स अ बीएसएफ एकेडमी सर वेयर ऑफिसर्स आर बीइंग ट्रेन्ड सो फादर वाज पोस्टेड एज इंस्ट्रक्टर वहां पे रहा सर मैं एंड वहां पे सबसे अच्छे दोस्त थे एंड वी आर स्टिल इन टच। तो बाकी एक साल सर मतलब गांव जैसी हालत में ही पढ़ा मतलब वेयर आई गॉन देयर सम सेकंड क्लासेस जहां पे दीवार पे वो लिख करके बताता था एंड वे पढ़ाता था हमारे को एंड दैट वाज वेरी बेसिक फाउंडेशन ईयर तो हिंदी में टेबल पढ़ाते थे सर दो एकम दो दो दूनी चार हरियाणा में से एंड वो टाइम एक ऐसा रहा सर कि अभी भी है ना इफ समबडी टेल्स मी तो मेरे को टेबल अगर इंग्लिश में करने उसकी बजाय द प्रेफरेंस इज हिंदी हिंदी में जल्दी आ जाता है सर। लकड़ी को सर आगे से काटते थे ऐसे प्लेट से पॉइंटेड सा बना के पेन काइंड ऑफ शेप एंड सिंस देयर वर नो इंपोर्ट्स जो बैटरी होती है सर बैटरी में जो सेल होता है ना सर उस सेल के अंदर से वो काले वाला है उसको तोड़ते थे पहले पानी में भी यूज टू मिक्स सो दैट यूज टू बी द इंक एंड उस लकड़ी को उसमें डिप करके देन वी यूज टू राइट ऑन दैट पीस ऑफ फट्टा बेसिकली एंड जब वो एक साइड से खत्म हो जाता था वी यूज टू टर्न एंड राइट ऑन द अदर साइड एंड उसके बाद में मिट्टी आती थी व्हाइट कलर की उसको मेल्ट बोलते हैं हरियाणा में फिर पानी से साफ करके वो पीछे उसको सुखाते थे दोनों साइड से देन अगेन री इट वाज ऑटो रिसाइकल। आजकल तो पेपर लोग वेस्ट करते हैं सर पहले एक ही तख्ती में पूरी क्लास हो जाती थी पूरा सेशन लेकिन यू नो लाइक बीइंग फ्रॉम द 11th 12th एंड पहले से दैट थिंग वाज वेरी क्लियर कि तुम ज्वाइन करना सो एनडीए डिड यू ट्राई एनडीए एनडीए जाने के लिए यू नो सर आई ट्राइड वंस एंड आई मक्ड इट अप मिजरेबली सर आई एम टेलिंग यू नॉट कि मेहनत की कमी थी जोश की कमी थी सर आई वाज टू वेरी ब्राइट इन मैथ्स आई वाज सो ब्राइट कि मतलब मेरे को सर नोबेल पुरस्कार मिलना बाकी था बाकी सर आई वाज टू गुड इन मैथ्स आई वाज बेटर लाइक सर ब्रांडेड डोप जिसे बोलते हैं ना सर मैं वो था मैथ्स में नोबेल मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको ऑल्दो आई एम टॉकिंग इन सोशल मीडिया बट ठीक है वी हैव कम कवर्ड क्वाइट अ जर्नी सर जिस दिन मैथ्स का एग्जाम होता था ना सर सर मतलब कोई एक नुस्खा नहीं है उस समय गूगल होता तो मैं पता नहीं क्या क्या ट्राई करता बट स्टिल व्हाट ऑल आई ट्राइड कि कल मैथ्स का अगर यूनिट टेस्ट भी है माय मैथ्स टीचर वो सैंगर सर अगर उन्होंने सुन लिया तो आई एम श्योर सर ही विल गिव मी अ कॉल एंड आई विल सर मैं प्याज काटता था किसी ने बोला प्याज है ना अगर दबा लो तो उसे बुखार होता है सर मैंने दो चार प्याज यहाँ दबाए कुछ नहीं हुआ मैंने कहा शायद मैं ज्यादा मजबूत हूँ मैंने एक और काटे मेरे टांगों के बीच में ना नीच के नीचे भी दबाया शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा बट आई वॉज टू स्ट्रॉन्ग सर नहीं हुआ कुछ भी सर फिर किसी ने बोला गर्म सर से बुखार होता है मैंने ओके बाहर दौड़ के आया सर स्वेटिंग लेके पैक पसीना निकल रहा था फिर घर आया आइस लेकर के आया पंखा चला के लेट गया और पूरी छाते पे आइस रखी मेरे छाते से बुखार हो जाए सर नथिंग हैपेंड एंड नेक्स्ट डे अगेन आई हैड टू गो फॉर अ क्रैकिंग परफॉर्मेंस एंड गॉट सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर। सर मैथ्स इतनी बुरी थी सर मेरा अल्टीमेट एम ये होता था मुझे किसी तरह से 34 नंबर चाहिए यू नो 33 मेरे को मतलब पास कर देगा एंड ऐसा नहीं सर मेहनत नहीं था एक चीज को लेकर लगा रहता था घंटों
बट एंड रिजल्ट वही आता था ना कि नहीं, एनी क्वेश्चन कमिंग टू प्रूव, जो क्वेश्चन में लिखा है वो का वो लिखता था कि मैं ओके शायद 2 नंबर इसके मिलेंगे, टू प्रूव जो मैंने लिखा है, और उसके नीचे क्या करना है सर, बड़ा सन्नाटा, मुझे नहीं पता था, हाउ आई विल प्रूव इट सर, मैथ वाज द ओनली रीजन आई कुड नॉट गो टू एनडीए, अदरवाइज देयर वाज नॉट एन इशू फिजिकली और एनी अदर सब्जेक्ट, आई वाज क्वाइट कैपेबल टू हैंडल, बट मैथ्स में बैंड बजा रखा था सर, सो जब दोबारा सीरियस में पहुंचा तो आई गॉट टू नो कि यू नो देयर इज स्टिल वन है ना ऑप्शन है इन केस आई मक इट अप, फिर भी तरीका है, तो मेहनत करी सर मैथ्स में, बट देन बैकअप वाज ऑलवेज देयर, सो आई वेंट टू ओटीए सर। ओके ओके तो मेनी मेनी जो लेजेंड टूटे हैं ना, मेनी ऑफ द लेजेंड्स वो मैथ से कतराते हैं, तो यू नो बिकॉज़ सीरियसली सर ये बाद में पता लगा सर मुझे तो बिके मैं लैंड ना सर, यू एक्चुअली ही नीड टू हैव परफॉर्म वेरी बैडली इन मैथ्स, बट यंगस्टर जो हमारे को सुन रहे होंगे सर, आई एम टेलिंग यू, वो बोले कि भैया आज एक चीज पता लग गई है ना, सर ने भी बोली है और मैं भी बोल रहा था कि भाई मैथ्स में अच्छा नहीं करना, तो सर आई थिंक वी शुड है ना मेक इट लाउड एंड क्लियर, इट इज अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ओपन्स लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर मस्ट डू वेल इन मैथ्स एज वेल सर। वन थिंग इफ यू परमिट सर, समझ लास्ट में कितना बेटा कैसा है पढ़ाई में सर, इज अ वेरी गुड जॉब, मतलब वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट यार, मैं हमेशा बताता हूं, मैं थैंक गॉड, बाकी डीएनए वैसा है बट थैंक गॉड मैथ्स में मेरे जैसा नहीं है सर, है ना, थैंक गॉड इज एब्सोल्युटली 180 डिग्री अपोजिट टू मी सर, ग्रेजुएशन टू ओटीए, ओटीए ऑब्वियसली दी ओटीए वाज नेक्स्ट चॉइस, तो कैसी रही सीडीएस की, यू हैड पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट स्टडी के लिए? सर झूठ नहीं बोलूंगा सर, जब मैं मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम था सर, मैंने अपना फॉर्म भरे थे, तो उसके बाद में सर प्रिसाइजली इट जस्ट सो हैपन कि ग्रेजुएशन के एग्जाम भी थे एंड सीडीएस का अपना वो भी था सर, रिटर्न एग्जाम भी था, ओके, एंड इट सो हैपन सर कि मेरा जब एग्जाम था ग्रेजुएशन का, उसी दौरान अपना ये भी था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड एक मैथ्स का हैंडीकैप, अब दोनों एग्जाम साथ में, सो आई डिसाइडेड कि मैं यार जितनी जान लगा सकता हूँ ईमानदारी से मैं उतना करता हूँ, सो पढ़ने के लिए से कोई जगह नहीं थी, बिकॉज फादर वॉज बिल्डिंग ए हाउस एंड जब वो घर बन रहा था तो उस समय से घर के अंदर बेसिक फाउंडेशन काम हो रखा था, खिड़की दरवाजे भी नहीं लगे थे, इट वॉज जस्ट प्लास्टिक शीट पुट ऑन दोस थिंग, बिकॉज वर्क वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो बड़ी आवाजें आती थी बाहर से, कोई बोलता अमाउंट दे लो, कोई कहता इसको वोट दे दो, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, सो यूनिवर्सिटी में गया सर, वहां पे ग्रेट यूनिवर्सिटी वी हैव एचएयू, एंड आई रिक्वेस्टेड कि मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, दे सेड यू आर नॉट अ स्टूडेंट, मैं आई एम, कहते हैं यूनिवर्सिटी में जो है उन्हीं को मिलेगा, सो आई रोट एन एप्लीकेशन, सॉट परमिशन, एंड वो जितने बजे खुलती थी सर 7 बजे, मैं उससे 10 मिनट पहले वहां खड़ा होता था, 5 किलोमीटर आई यूज टू गो ऑन साइकिल, एंड ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता था, लंच भी नहीं साथ लेकर के जाता था, ये भी एसी लगा होगा, अच्छा माहौल है, पहले दिन पता लगा नींद पूरी करके आ रहा हूँ, सो ब्रेकफास्ट नहीं खाता था, लंच छोड़ देता था, एंड घर रात को पहुंचता था जब 2 बजे 3 बजे, तो वो खाना रखा होता था वो खाके सो जाता था, 3-4 घंटे सो के वापस, एंड वो 21 दिन मैंने बड़ी मेहनत करी सर, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई की कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस में कमजोरी है, आइडेंटिफाइड अ पैटर्न कि इस सब्जेक्ट में सिविक्स से पोलाइटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड सिलेबस सबसे ज्यादा कम है, तो सबसे पहले उसको निपटाया, टू मेक ए स्ट्रॉन्ग विकेट ऑन दिस, इसको कोर कॉम्पिटेंसी बनाता हूँ, 25 क्वेश्चन आएंगे पूरे 25 कर दूंगा, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके मैंने बेस बनाया कि मैं इतने नंबर पास होने के लिए चाहिए, मैं इससे ज्यादा तो पक्का कर लूंगा, यू नो आई शुड नॉट फेल इन एनी दिस, एंड एज लक वुड हैव इट 2 हफ्ते पहले चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हुआ तो घर में सबने बोला कि आई वाज स्टेइंग विद रिलेटिव्स, तो उन्होंने मेरे को ऊपर छत पे बोला कि आप रहोगे नीचे नहीं आओगे 10 दिन, ये होता है धूप नहीं दिखनी चाहिए, लाउड नहीं होना चाहिए, म्यूजिक नहीं सुनना एंड ऑल दैट, मैं भैया 2 ही तरीके हैं, मैं या तो है ना म्यूजिक सुनता रहूंगा मैं, या फिर अपना एम कर लेता हूँ, तो एक दिन तो रहा रूम में फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट डे थोड़ा मन मजबूत किया है, लोगों ने बोला कि अगर आप वो चिकन पॉक्स को अगर आप कुछ करोगे तो है ना वो इट विल लीव मार्क्स ऑन बॉडी परमानेंटली, सो मैं हो ही नहीं सकता, नहीं करेक्ट करेक्ट सही है, आई मीन दैट मार्क वाला थिंग काफी लोग बोलते हैं, हाँ जी सर, तो मुझे पता नहीं था सर, बट आई थॉट कि मैं कोई बात नहीं शक्ल खराब हो जाएगी ज्यादा ज्यादा, मैंने कौन सा है ब्यूटी पेजेंट में जाना है, मुझे फौज में जाना है, वहां शक्ल देख के नहीं लेते, आई वाज क्लियर,
तो सर एक ईंट ली सर, और पूरा जितना जोर था ना सर, जाड़ नीचे रगड़ दिया सर पूरी बॉडी में। गजब का दर्द होता है सर, ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड पूरी बॉडी पे रगड़ दिया सर, उसका तेल था वो लगा करके बाहर आया, नीचे आया तो एवरीबॉडी वाज शॉक कि तूने क्या किया, वो कहाँ गए? मैं, वो गए कहते नहीं, इससे ये होता है किसी ने बोला पाप लगे, मैं जो लगना लग जाए मुझे फौज में लगना है भाई, टाइम नहीं है। तो सेकंड डे बैक टू कैट अपना दिस टाइम तैयारी करी सर, एंड साथ साथ थोड़ा ऐसे मोटिवेशन के लिए आई यूज टू एक बुक थी छोटी सी जिसमें पीवीसी डिटेल्स थी सर। तो सुबह पढ़ने बैठता था तो वो पीवीसी डिटेल्स पढ़ता था कि कौन थे, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। इट वाज शॉर्ट राइट अप अबाउट एवरीवन। वो पढ़ के ना सर बॉडी में ऐसा करंट से आता था, लगता था कि ये भी लोग गए हैं यार यहाँ से ना, इन जैसे लोग फौज में होते हैं, कुछ करना है तो ये क्या छोटी मोटी चीजें, तोड़ ताड़ तो जो भी है। जहां बैटरी थोड़ी सी डाउन होती थी अगेन सर, आई यूज टू रीड दैट वन पैरा, यू नो, लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, पढ़ो क्या लिखा है। उसके बाद सर दैट वाज अ बूस्टर डोज, उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो 3 हफ्ते चला प्रोग्राम सर ये, एंड 21 दिन में, अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने कहा मेरे जैसा बंदा जो नोबेल पुरस्कार के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था मैथ्स में, यू नो, एंड इतना भाई, अदरवाइज ओके आई वाज, मैं मेहनती था, इंटेलिजेंट नहीं था, यू नो, लेकिन अगर मैं 3 हफ्ते में मेहनत करके अपनी चीजें ठीक ऑर्गेनाइज करके कर सकता हूँ, तो तुम लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन के नाम पे गूगल बाबा है, बटन दबाने की जरूरत नहीं, बोलोगे योर विश इज हिज कमांड, यू नो, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, सुविधाएं हैं, तो व्हाई कांट यू डू, इफ मेरे जैसा नॉर्मल बंदा कर रहे तुम्हें कौन रोकेगा। मैं तो यही बताता हूँ सर सभी को, दिस वाज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्जाम्स। सो बट देन एसएसबी के लिए एनी स्पेशल टिप्स और स्पेशल कोचिंग वोचिंग कुछ कभी किए थे क्या? नहीं ना, तभी तो कोचिंग ही नहीं नहीं सर, था हमारे मैं टाइम पे तो। नहीं था ही नहीं सर, यू नो करेक्टली सर, हमारे टाइम में कुछ था नहीं। अगर कोई एक आते थे कोई रिटायर्ड ऑफिसर तो चार्जेस वो फेनोमिनल सर। तो मुझे एक बात समझ में आई सर, मैं एक बार किसी के पास गया था तो उन्होंने एक मेरा टेस्ट लिया छोटा सा, जैसे कि कल से बताना, हम 3 लोग बैठे सर, और दैट टू आर देयर इन आर्मी टुडे, वन इज इन इंटेलिजेंस को एंड वन इज इन अपना पेरिस, ही वाज ए एयरफोर्स कैंडिडेट। तो तीनों का टेस्ट लिया, बोला कि तुम दोनों कल से आ जाना सुबह क्लास में, मुझे बोला तुम मत आना। मैंने कहा अपने यार मेरा पहले मैथ्स की प्रॉब्लम थी, अब लोग पसंद नहीं कर रहे मुझे। आई सेड मैं सर व्हाट एवर इज द फीस आई विल पे फॉर इट। कहता नहीं नहीं फीस की बात नहीं, कल से बता रहा। मैंने कहा सर प्लीज मैं मेहनत करूंगा, इसलिए यार फीस की बात नहीं है, मैंने देख लिया जो टेस्ट लेना, तो तेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। मैं सर आपने ऐसा क्या देखा वो भी बता दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ना, कल से मत आना के चक्कर में। मैं सर एटलीस्ट टेल मी टेस्ट क्या क्या आते हैं ऑल दैट। तो उन्होंने वो मुझे बताया, कुछ सैंपल्स दिए, तो घर जाके सर मैंने सोचा चलो एटलीस्ट कोई आदमी इतना भरोसा कर रहा है। एंड स्कूल कॉलेज में सारे बोलते थे वो आगे भी लेफ्टिनेंट साहब, वो आगे ऑफिसर, वो आगे फौजी। तो दिस वाज द टैग गिवन टू मी इन कॉलेज स्कूल, एंड आई रियलाइज कि सर इतने सालों में अगर मैंने अपना काम सिंसियरली किया, जो अपने माँ बाप से सीखा है, जो टीचर्स ने सिखाया है, एंड आई एम श्योर वेरी कॉन्फिडेंट उन सबने अच्छी बातें बताई मुझे, और थोड़ा बहुत तो शायद 2% कुछ अच्छा होगा भी सर मेरे में। तो मैंने कहा चलते हैं कोई बात नहीं। तो अपने आप तैयारी करता था सर, शीशे के सामने खड़ा होकर के, छोटी सी टेबल थी लग रही थी, एंड पब्लिक हियरिंग बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा शर्मिला था, 12th तक तो आवाज ही नहीं निकलती थी, और लड़की को देख लिया और सामने आगे किसी नोटबुक भी मांग ली तो ऐसा लगता था भाई आज तो नहीं बचूंगा मैं, ऐसा सोच है। तो सर यूनिवर्सिटी में कहीं चले जाता था ना, जहां पे झाड़ी झूड़ी थी, कोई देखने वाला नहीं था सुनने वाला, वहां पे फिर मैं अंग्रेज बनता था जाकर के, मॉर्निंग फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू व्हाट, सर चिल्लाता था जोर जोर से, एंड फिर उसके बाद खुद ही करता था भैरवान शाबाश दोस्तों, खुद ही काम करता, खुद ही शाबाशी देता, घर आ जाता सो जाता था। एंड फाइनली जब गया तो एक चीज सोच के गया था, जो मैं अभी भी बोलता हूँ अपने कैंडिडेट्स को, कि मैं पता नहीं मन में है ना बहुत ऑटो सजेशन करता, मैं करना है मेरे, मैं कर सकता हूँ, है ना, है मेरे में, अगर तुम तो जाना है तो मैं लगा दे जोर पूरा। जिस दिन रेलवे स्टेशन पे उतरा ना सर, तो उस दिन सब ये सोच के उतरा था कि भैया है ना लतान साहब उतर रहे हैं, जब पैर रखा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद में चाहे किसी से हाथ मिलाया चाहे बात करी, तो कनेक्ट ऐसा ही था बिल्कुल कि है ना कि भाई ऑफिसर ऐसा होना चाहिए, कोशिश कर रहा था। एक ने मुझे बोला भी पहले दिन रेलवे स्टेशन पे, कहता भाई इस बार तेरा पक्का हो जाएगा। मैं हाउ डू यू नो, कहता 12th 12th अटेम्प्ट आई नो हाउ थिंग फंक्शंस। मैंने कहा गुड यार गुरुजी, जब रिजल्ट आया सर मेरा हो गया। कहता क्या कहा था मैंने तेरा हो जाएगा? मैं तो एक काम कर, तू कोचिंग सेंटर खोल ले और हाथ देख के बता रहा कि तेरा हो जाएगा, तेरा नहीं होगा, योर फ्यूचर इज सिक्योर। इंसिडेंटली सर ही इज आल्सो एन आर्मी, ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड इन दैट एसएसबी। दैट ऑसम। 12th अटेम्प्ट का, 12th अटेम्प्ट के बाद सर, इनफैक्ट मेरा कैंडिडेट है सर, इट वाज हिज 12th अटेम्प्ट, ही हैड गॉन, ही जस्ट गॉट रिकमेंडेड, अखिलेश। ओ ओके ओके ओके,
He just got recommended couple of days back. Great, great. So how was your SSB experience that 5 days? I think semi-SSB. You were कौन से SSB में थे? सर मैं गया था रिजेक्शन सेंटर सर जो बोलते थे उस जमाने में आई डोंट नो व्हाट इट इज टुडे 34 आई एम श्योर सर यू आर इलाहाबाद प्रयागराज सीरियसली इलाहाबाद वाला पहुंचे सर वहां पे बस खड़ी हुई थी सारे बैठ रहे थे जा रहे थे मैंने सारे बाहर की तरफ जा रहे हो कोई अंदर नहीं यार कहते नहीं अंदर जाना अलाउड नहीं है अब जो बाहर ही जाएगा मैंने कहा ठीक है तो बड़ा मोटिवेशन था सर एकदम से लोग आया लोगों का तो कहता यार यहाँ तो सब आते हैं बाहर की तरफ भेज देते अंदर कोई जा ही नहीं रहा मैंने कहा दैट्स व्हाई वी हैव कम अभी हम लोग जाएंगे ना अंदर बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस नहीं है बट एटलीस्ट आई शुड प्रिटेंड कि आई एम कॉन्फिडेंट सो 34 एसएसपी में था और आपने जो भी सवाल पूछा ना सर ये इंटरव्यू में पूछा था मुझसे वहां पे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जनरली एक मेंटेन क्वेश्चन है पूछ लेते हैं सर कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन ड्यूरिंग द एसएसपी हाउ वाज योर स्टे तो मुझे याद है सर मैंने जवाब दिया था कि सर इट वाज जस्ट लाइक एनी एनसीसी है ना कैंप इंटीग्रेशन कैंप है पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री मस्ती करते हैं बातचीत करते हैं यू शेयर एक्सपीरियंसेस इट वाज जस्ट अ फीलिंग कि आई एम अटेंडिंग वन मोर एनसीसी कैंप मुझे ऐसे लगा था मन में भी ये है मैंने बोल दिया सर ये ऐसे सो इट वाज गुड स्टे सर अच्छा था इट वाज गुड बट देन जो सारे वाज इट इजी फॉर यू कि 5 दिन ऐसे लगा तो हो जाएगा टाइप से सब सारी कैडेट्स व्हेन वी गो अपने को होता है ना एक दूसरे को देख के यार ये तो सही अपने से भी सही है टाइप सर साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे आई वॉज वेरी क्लियर बिकॉज मुझे ये चीज लगी सर मैंने आई डोंट हैव टू प्रिटेंड ना कि मैं कोई दूसरा बनना चाहता हूँ या कोई कोचिंग दे रही जैसा मैं हूं मैंने बिल्कुल वैसे ही दिखाया कि दिस इज व्हाट आई एम और जहां स्टोरी लिखनी थी मैं अभी भी कैंडिडेट्स को सिखाता हूँ ना ज्यादा देर आर नो टिप्स और टेक्निक्स दो ही तरीके हैं पहला जब भी कोई पिक्चर दिखाते हैं तो मैं क्या करता था सर उसको अपने किसी रियल लाइफ से इंसिडेंट से कोरिलेट करता था कोई एक्सीडेंट दिखाया तो मुझे याद अच्छे से कि मैं कॉलेज में था बट पीपल वर वॉचिंग बट आई इवैक्यूएटेड इनटू हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज फॉर ब्लड दिस थिंग किसी के बर्थडे में जा रहा था बट बहुत भागदौड़ करी उनको बचाने के लिए मैंने वैसे ही वैसे सर वो लिख दी बिकॉज उस सत्य घटनाओं पर आधारित थी मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ा आई एग्जैक्टली रोट व्हाट आई डिड एंड बाकी जिस स्टोरी में मैं कोरिलेट नहीं कर पाता था सर उसमें मैं ये सोचता था अगर ये हीरो मैंने ढूंढा है इसमें तो आई यूज टू अज्यूम कि मैं हूं ये हीरो अगर मैं होता तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता सो आई यूज टू राइट एग्जैक्टली व्हाट आई यूज टू फील तो एस एस बी में सर साइकोलॉजी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई एस आर टी में उसमें आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड आई कुड अटेम्प्ट फेयरली वेल आई वाज सैटिस्फाइड जीटीओ सर मुझे लगा वो इट वाज जस्ट लाइक गेम्स ओनली सर जोश जहां आ जाता है वहां मेरी बैटरी वैसी चार्ज रहती है तो खेलना कूदना इधर उधर तो जहां बोलते थे यहां से वहां दौड़ के जाने था यूज टू बी फर्स्ट वन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में सर वो 10 ऑब्स्टेकल होती है वो 10 करनी होती है मैं दौड़ के गया कंप्लीट करी फिर दौड़ के गया फिर भाग रहा था उसमें हाथ पकड़ लिया कहा जा रहे हो अरे सर मैं चीटी बची नहीं करके आता हूँ कहता देवता रिकॉर्ड नहीं बनाना एक ही बार करना तो तुम्हारे ऑलरेडी हो गए कई बार ठीक है रुको तो उससे सब कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने कहा घोड़े यार लोगों को बोला तो बड़ा रॉकेट लगा के भागते मैंने कहा नहीं यार छोटे छोटे तो है ये कहता छोटे तेरे लिए हमारे लिए बड़े मुश्किल है अच्छा प्रॉब्लम आई सर अपना इंटरव्यू में सर इंटरव्यू में जाने से पहले सर ऐसा लग रहा था ना कि हार्ट रेट इज मोर वो होता है बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एंड आई वाज लिटिल सर थोड़ा वो होता था पहले 15 लोग बैठे रूम में एक एक करके एक एक उठता जा रहा है और वापस कोई आ नहीं रहा मुझे लग रहा है जो जा रहा है वो शहीद हो रहा है उसी की बलि हो रही है वो बस में बैठेगा और फिर बाहर की तरफ जाएगा सारे जो तमाम ख्याल जो उल्टे सीधे नहीं आने चाहिए सर वो दे वर देयर इन द माइंड फाइनली फिर एक मैंने सर वो मैं टाइम पास करने के लिए दीवार पे कुछ कुछ टंगी हुई थी चीजें मैं पढ़ने लगा आई केम अक्रॉस वन ब्यूटीफुल राइटअप बाय सम एनोनिमस चैप उसमें बड़ा अच्छा लिखा था है ना कि वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल और कुछ इस तरह की बातें लिखी थी कि कोई घबराने की जरूरत नहीं लाइफ इज गुड पास इट ऑन मैंने पढ़ा सर मेरा बड़ा मन टिका उसका मैंने कहा गुड यार बड़ा अच्छा लिखा जिसने लिखा है फिर मैंने दोबारा पढ़ा जितनी बार मैं वो पढ़ता गया सर मेरा मन उतना ही ना शांत होता गया है ना बाद में लेटर ऑन आई गॉटन होगी प्रॉब्ली शायद इट वाज रिटन बाय हिज होलीनेस दलाई लामा पैराडॉक्स ऑफ लाइफ दैट्स द टाइटल उसमें एनॉर्मस लिखा था बट वो मैंने जितनी बार पढ़ा सर आई फील वेरी पीसफुल फाइनली आई लैंडेड अप इन दैट निर्वाणा स्टेज जहां पे वो मेरे को बुलाने आया कहते साहब आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं साहब मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तो आई थिंक 4 पैरा थे उसमें तो एक मैंने पढ़ा था मैं नहीं गया सर कल बाकी के 3 बचे हुए थे वो पढ़ने थे आई वांटेड टू सेटल डाउन कंप्लीटली देन ही केम फॉर द सेकंड टाइम कह सर आपको बुला रहे हैं उधर सर मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तब भी एक पैरा बचा हुआ था सर कॉन्फिडेंस मतलब जहां बटरफ्लाई थी वहां से मैं स्टेज में आ गया था तीसरे बार कहते वो गुस्सा कर रहे हैं मैंने कहा बस 4 लाइन रह गई पहुंच रहा हूँ उस स्टेज में था सर बाहर गया लंबी सांस ली अंदर गया अंदर घुसते ही सर इसे पाके रैश ठीक है सर बैठ गए
शुरू में डर लग रहा था सर, तो बॉडी लैंग्वेज मेरी सब ठीक थी। मैं जैन सर, कह रहा जैन, ही आस्क मी कि टेल मी समथिंग अबाउट यू सर। मैंने कहा सर आई एम राजीव बहवान, आई एम कमिंग फ्रॉम हिसार। ही सेड स्पीक लिटिल लाउडर। मैं सर आई एम राजीव, आई एम कमिंग फ्रॉम हिसार। कहते नॉट दैट लाउडर, लिटिल लो, मैं राइट सर। दैट वाज द स्टार्ट पॉइंट सर। मुझे समझ में नहीं आया तो पहले मॉड्यूलेशन करी उन्होंने कि कम बोलता है ज्यादा बोलता है। कुछ इंपॉर्टेंट वो बताता सर जो मुझे याद आते हैं ना, लाइक ही आस्क मी, किसी ने बोला था कि वो स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेलते हैं तो उसके बारे में पूछेंगे। तो स्पोर्ट्स में खेलता हूँ सर, एंड मैंने उसके हिसाब से याद किया कि चलो इसकी ना लंबाई पूछेंगे या वजन पूछेंगे, दो तीन चीजें याद कर लेते हैं। सर ही आस्क्ड मी अबाउट द थिंग व्हिच है ना आई डोंट लाइक टिल डेट, एंड दैट इज क्रिकेट, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी सेकंड है ना रिलीजन इन इंडिया। एंड सर क्रिकेट के बारे में पूछा, प्रॉब्ली ही लव क्रिकेट। मेरे को खेलना अच्छा लगता है, आप रात को उठा लो 2 बजे में चला जाऊंगा, बट इफ यू टेल मी टू वॉच है ना सर, अनलेस इट इज इंडिया पाकिस्तान मैच, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच वर्ल्ड कप टिल डेट। आई एम नॉट फैन ऑफ क्रिकेट, खेलूंगा और भारत पाकिस्तान देखूंगा, बाकी तीसरा कोई चांस ही नहीं है। कहता है राजीव लेट्स प्ले क्रिकेट। मैंने कहा सर आई डोंट लाइक क्रिकेट, नहीं पसंद। तो कहता है डू हैव अ चॉइस, मैं कहूं सर। कहता है सिंस यू डोंट हैव एनी चॉइस, सो डोंट यू थिंक एंड यू आर इन इंटरव्यू एंड यू हैव लिमिटेड ऑप्शन एंड यू शुड प्रेफर एंड इट कैन हार्म यू, यू नो मे बी यू वुड लाइक टू थिंक। नो नो सर ऐसी बात नहीं, मौका देके हम खेल लेते कभी कभी। कहता आओ मैदान में, कहता ओनली वन ओवर वी कैन प्ले राजीव। मैं यस सर। तो सर ही हैड सेंट मी टू द अदर साइड ऑफ द रूम एंड ही वाज हियर। बिल्कुल शौक नहीं रहता क्रिकेट का। कहता हियर कम्स द फर्स्ट बॉल। तो पहली बॉल सर ऐसे फेंकी यूं करके उन्होंने, मेरे हाथ में भी घंटा कुछ नहीं था, तो मैंने ऐसे किया एंड ऐसे गंदे लुक दिए ना सर कि साला बड़ी तुझे बैटिंग भी नहीं आती, ऐसे गंदे लुक ना, एंड आई फेल बैड अबाउट माई सेल्फ, ही मेड मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ। तो मैंने कहा यार ये तो लग रहा ठीक नहीं हुई बैटिंग। तो कहते हैं कम द सेकंड बॉल, तब तक सर आई वाज चेंज, जैसे ही बॉल मारी मैंने कहा सिक्स, कह रहा हूं थोड़ी स्माइल दी, तो मैंने कहा ये ठीक है परफॉर्मेंस। उसके बाद सर अगली 5 बॉल में सारे के सारे छक्के कर दिए मैंने। जब खत्म हुआ सब कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर देखा एंड देन ही सेड, कहता यू आर वेरी इंपल्सिव। तो मुझे लगा लो भाई मेरी साइकोलॉजी चेक हो रही थी, मेरे को थोड़ा बैलेंस कैलकुलेटिंग ये था, मैंने सारे छक्के उड़ा दिए। एक बार तो टेंशन भी सर। देन ही आस्क्ड मी सेविंग ग्रेस वाज, ही आस्क्ड मी व्हाई, ही सेड यू आर वेरी इंपल्सिव, जो मेरे कोचमेट भी बोलते हैं अभी भी बोलते हैं सारे, ही इज हाईली इंपल्सिव। मैं ज्यादा सोचता नहीं, काम करना है, कूदना है, मारना है, कर दो क्लोज करो, ठीक है, ज्यादा टाइम डिस्कशन ही करते रहो, काम कब करोगे। तो जैसे ही मुझसे पूछा सर कि तूने यार 5 छक्के मार दिए हैं 5 बॉल के ऊपर, यू आर वेरी इंपल्सिव व्हाई सर, माय इम्प्रॉम्प्टू जवाब जो मैंने सोचा नहीं था बट निकला मेरे मुंह से, एज आई सेड भारत पाकिस्तान ही देखता था। आई सेड मैंने कहा सर आई थॉट कि आई एम प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, सो आई लॉस्ट माय कंट्रोल सर, आई कुड नॉट कंट्रोल। कहते गुड, जैसे गुड बोला मैंने कह रहे वाह ठीक जा रहा है, चलो बैठो। फिर बैठा सर, एंड एक क्वेश्चन अगेन सर जो इंटरव्यू पूछते हैं, डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड, अगेन सर राइट क्वेश्चन टू रॉन्ग, रॉन्ग क्वेश्चन टू राइट गाय सर। मैं खुद बोल रहा हूँ सर, मुझे लगता था कि भाई मैं गुफा खोद के घुस जाऊंगा जब लड़की सामने आ जाती थी, मुझसे पूछ रहे सर डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड। तो मैंने उनको देखा यार ये तो फाउल है, मन में सोचा, बट व्हेन ही आस्क्ड मी डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड, मैंने सर आई डोंट हैव बट आई डोंट माइंड हैविंग वन। अगर लाके देखा तो ठीक है, बाकी मुझसे तो हो नहीं पाएगा, ज्यादा उम्मीद कर रहे हो जरा मुझसे। थर्ड इंटरेस्टिंग थिंग इन द इंटरव्यू, ही सॉ माय पीआईक्यू स्केचिंग पेंटिंग। कहते यू स्केच, मैं सर एक पेन पेपर दिया, कह रहे कैन यू मेक सम स्केच फॉर मी। सो मैंने फटाफट बनाया सर एक डेनिस द मैनिस, गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स उसके हाथ में, एंड मैंने लिखा मैं सर विद गुड विशेस रिगार्ड्स करके मैंने उसकी तरफ सरका दिया। यू गॉट अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, मैं सर थैंक यू। ये तीन चीज है सर जो मजेदार हुई थी इंटरव्यू के अंदर ना, विच आई रिमेंबर। बाकी तो वो पेंडिंग क्वेश्चन थे, अपने बारे में बताओ, हिसाब के बारे में बताओ, ठीक है सर वो सब तो हैंडल हो गया, बट ये तीन थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग थे सर एपिसोड। And best was cricket, which I don't like. Life is full of surprises. Since we are in this section of SNB, since now to all listeners, those who are listening, Kazan Rajiv, you know, guides the youngsters. He is you know, professionally conducting classes for the SNB and parents of various you know, NDA, OTA, सबके लिए. So I'm sure you would be interested, all of you would be interested to check Rajiv's profile, amazing profile, lot of stuff. So my request is go there and check on Rajiv's profile. So Rajiv, we are in this section
व्हाट इज सम एसएसबी टिप्स इन जनरल इफ यू वांट टू गिव, क्योंकि कल एसएसबी है बहुत लोगों का, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग एसएसबी टुमारो. सर इफ दे आर लुकिंग फॉर टिप्स सर, माय नटशेल में इफ आई हैव टू सजेस्ट देम सर, फर्स्ट थिंग आई विल टेल देम सर कि इट इज नॉट अबाउट 40 डेज कोचिंग इन द एकेडमी और एनीवेयर, इट इज अबाउट डेली थिंग्स. एंड आई एम श्योर है ना आपका भी सेम एक्सपीरियंस रहा होगा सर, एनीवन ऑफ अस हु हैज क्रॉस दिस लाइन एंड कम हियर सर, इट इज अबाउट अ डेली कंडक्ट. मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड दैट विल कन्वे बेटर एंड लाउड मैसेज. One of the candidate, he came to me who had already appeared 11 times and he said, कि सर मैं इस एकेडमी में कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ली है. तो he said कि सर all कोई भी आप बोलो है ना biggest से लेके मतलब कहीं पे भी एकेडमी he had been there, मतलब east north west south you name any academy and he had been there. तो he said कि सर मैं ये करता हूँ. तो उसे मैंने कहा एक बात बताओ तुम्हारा डेली रूटीन क्या है, what is your daily routine, how you answer in SSB. पूछा कभी पर सर, कई बार पूछा है. मैं क्या बताता हूँ, देन आई गॉट द आंसर सर, 5 बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, एंड बिल्कुल सर क्लॉक वाइज अपना शाम तक का रूटीन बताया. मैं भी दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ ईमानदारी से, करता क्या पूरे दिन में, ये तो SSB का आंसर हो गया. किसी सर 8-9 बजे उठ जाता हूँ, देन उसके बाद में ये है थोड़ा वो कर लेता हूँ मैं, ऑब्वियसली बिकॉज व्हेन आई आस्क्ड यू यू सेड कि सर 2 घंटे सुबह दौड़ता हूँ, 2 घंटे रिग्रेस गेम्स खेलता हूँ शाम को. मैं बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, होना चाहिए तुम्हारा कितना 62, मैं है कितना, बोलो सर 86. मैं कुछ फर्क है 62 और 86, इफ यू आर क्लेमिंग कि आप 4 घंटे ना रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी करते हो देन दीज एक्स्ट्रा फैट ना शुड नॉट बी अराउंड द बॉडी यू नो. फिर आदमी सिक्स पैक होना चाहिए, फैमिली पैक नहीं होना चाहिए जो साफ साफ दिख रहा है कि सामने हम्पटी डम्पटी बैठा हुआ है और आप बोल रहे हो 4 घंटे रख दो, किसको बिगड़ते भाई. तो मैं यू आर नॉट ऑनेस्ट, बाकी को छोड़ दो, यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है. और आप क्या करते हो, एक जगह नहीं होता तो आप कोच चेंज करते हो, फिर उसके बाद कोचिंग एकेडमी चेंज करते हो. मैं दो सलाह है मेरी, पहली बात इसे कि व्हाट शुड बी द आइडियल आंसर, मैं द आइडियल आंसर तो मैं बाद में बताऊंगा. तो एक काम करना, मैंने 24 घंटे का प्रोग्राम बना, शेयर द रूटीन विद मी, उसके बाद में बात करेंगे कैसे बना लूंगा मैं. दूसरी चीज मैं उसको फॉलो करना है रिलीजियसली, 7-8 दिन दिक्कत होगी, 10 दिन तक थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, 14 दिन के बाद मजा आने लगेगा ना, नींद अच्छी आएगी, टाइम भी सो जाएगा, वजन भी कम होगा, सब कुछ होगा, मैजिक स्टार्ट हैपनिंग नॉट ओवरनाइट, ओनली आफ्टर कपल ऑफ डेज, ईमानदारी से करेगा तो. कहते सर मैं कर लूंगा, मुझे बताओ सर एसएसबी में इसका आंसर क्या देना चाहिए. मैं आंसर देने की जरूरत नहीं, यू जस्ट टेल देम व्हाट यू डू, तब बोलना है सर 5 बजे उठता हूँ, ये करता हूँ और ये करता हूँ, दिखाई देगा बॉडी में यहाँ बंदा भी हम्पटी डम्पटी नहीं है भैया, इज नॉट फैमिली पैक, इज सिक्स पैक, बोलने लायक हो जाएगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू डू यू जस्ट टेल कि सर दिस इज माय रूटीन, ऑनेस्टली This is one advice sir, they should have a good routine sir. And दूसरा सर ये जो coaching और coaching academy change करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास तो कोई आता है, मैं खुद कहता हूँ I had never propagate this idea कि ना मेरे से training ले लो. मैं कहता हूँ जहाँ मन ठीक है ना आप उधर जाके training लो, you know? अपना तरीका जो आपको ठीक लगता है, आप review पढ़ना चाहते हो, आप बंदे से जाके मिलना चाहते हो, बट आप वहां जाके वो देखते हो ना कि अच्छा इनका सर रिजल्ट बड़ा अच्छा है. रिजल्ट अच्छा का क्या मतलब है, उस अकेडमी में 100 बंदे हैं, अगर 100 के 100 नहीं गए ना Then I don't consider as a result. अगर तुम्हारे पास 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें 2-4 तो हर जगह जाएंगे भाई, उसकी फोटो भी लगेगी बाहर, ठीक है. मैं डोंट टीच मी मार्केटिंग, मुझे लास्ट मैन फौज की सिखलाई है, नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, लास्ट मैन शुड बी हियर. या तो ये बताओ कि 100 आदमी 100 के 100 फिट है मेरे, ठीक है, तो मैं मानता हूँ रिजल्ट है, अदरवाइज इट इज नॉट इवन क्लोज टू सेटिस्फैक्ट्री, दैट इज माई स्टैंडर्ड, माई अपना एथिक्स. चाहे उसके बाद में सर 6 महीने लग जाए कि 8 महीने लग जाए, देर हैव बीन कैंडिडेट जो मेरे पास 8 महीने से, बिकॉज मैंने पहले दिन बताया था कि 8 महीने लगेंगे तेरे को, बट मैं लगा दूंगा 8 महीने में, बट आदमी तो मैं पक्का बना दूंगा. सो दैट इज सेकंड थिंग सर, रादर देन चेंजिंग द कोच एंड द कोचिंग एकेडमी, कैंडिडेट शुड ब्रिंग सम गुड चेंजेस इन देमसेल्फ. आप अपने अंदर कर लो थोड़ा सा चेंज एंड देन यू सी हाउ मैजिक हैपेंस. बट उस्ताद चेंज करते रहोगे और कोचिंग एकेडमी चेंज करते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, कोई भी आदमी ले लो फॉर दैट मैटर. मैं हमेशा बताता हूँ कि जैसे हो बहुत अच्छी हो, आई एम कॉन्फिडेंट आपके पेरेंट्स ने अच्छी चीजें सिखाई होंगी, टीचर्स ने भी अच्छा बताया होगा, अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करने की. तो मैं ज्यादा भरोसा अपने ऊपर रखो, 2 पैसे का रखो, लेकिन थोड़ा भरोसा मेरे ऊपर भी रखो, यू नो वी विल बी एबल टू अचीव. नाउ आई विल से स्टैंडर्ड हैव स्टार्टेड डूइंग, ही सेड कि सर मैं हर जगह से हो जाता हूं, मैं पहली बात तो दिमाग से निकालता हूं सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, थर्ड थिंग सर इट इज ऑल हियर इन द हेड. सर मैं रिजेक्ट हो गया सर, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैं पूछता हूं ना, वो कहते हैं सर वी आर हार्ड कोर रिपीटर्स,
आई डोंट नो सर व्हाई पीपल टेक प्राइड इन सच टर्मिनोलॉजी और कहां से कॉइन करते हैं हार्ड कोर रिपीटर. सर देयर इज नो प्राइड इन कॉलिंग योरसेल्फ रिपीटर. यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन मूव फॉरवर्ड. बट वो टैग लगा के चलना और खुद अनाउंस करना आई एम हार्ड कोर रिपीटर. आई फील बैड फॉर देम. दे आर एक्चुअली ऑफ द अलाइनमेंट सर. मतलब आई पर्सनली फील. सो ये सिलेक्शन रिजेक्शन और फोर थिंग्स आई विल टेल देम सर. दे शुड नॉट गेट कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट इफ दे आर ओवर ऑब्सेस्ड. एंड सर कल जैसे कैंडिडेट का फोन आया, ही कॉल्ड इट कॉल्ड मी फ्रॉम छत्तीसगढ़ सर. ही सेड सर आई एम वेरी व्हाट वाज द डेस्परेट. आई एम वेरी डेस्परेट टू ज्वाइन आर्मी. मैं नो, मैं तेरे से हो नहीं पाएगा. बोला क्यों? मैं बिकॉज यू आर डेस्परेट. बोला नहीं सर मैं बहुत डेस्परेट हूँ. मैं पता नहीं है बट तेरी अंग्रेजी के हिसाब से यू डोंट क्वालिफाई. मैं आई विल प्रेफर टू यूज द टर्मिनोलॉजी सर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. यू नो चाहे उसके बाद में किसी लड़की को पटाना है तो उन्हें प्रपोज करना है भाई यू हैव टू बी पैशनेट. यू कांट बी डेस्परेट यार. व्हेन यू आर इन डेस्परेशन यू विल ऑलवेज डू द रॉन्ग थिंग्स. सो बी पैशनेट, डोंट बी सो डेस्परेट. अरे कोई नहीं मरने वाला है. इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सर. यू लुक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद. यू नो रिकमेंड नहीं हुए SSB में बट उसके बाद में हमारा जो नोटिफिकेशन है वो साइन करके दिया उन्होंने ऑफिसर्स को. ही रीच एट दैट दैट लेवल. एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. दे माय नॉट हैव डन वेल इन SSB. चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे शाहरुख खान हो बट दे आर डूइंग वेल फॉर देमसेल्फ इन देयर डोमेन. ऑब्सेस नहीं होना चाहिए सर को. पैशनेट होना चाहिए. जो है ना आप थे मैं था या तमाम जो लोग कर रहे हैं फौज में नौकरी चाहे वो ऑफिसर हो चाहे जवान हो. एंड उसके बाद में भी है ना अगर किसी को समझ में नहीं आती तो आई विल एडवाइस देम सर कभी जाके जवान की एक बार रिक्रूटमेंट रैली देखनी चाहिए हमको. यू नो दिस इज माई सिंसियर एडवाइस. एक दिन जाकर के वो सिर्फ देख लो कि अंदर घुसने तक की कार्रवाई. जो रिक्रूटमेंट रैली के लिए जाता है सर वो 12-12, 14-14 घंटे रोड पे भूखे पेट पड़े रहते हैं सिर्फ गेट में अंदर घुसने के लिए. जबकि मैं 500 लोगों में बाहर से बता दूंगा कि ये बंदा फेल है, ये पहले राउंड में आउट हो जाएगा, दूसरे में, तीसरे में. लेकिन फिर भी लोग इतनी दूर से ट्रेवल करके आते हैं सर पॉलिथीन में खाना लेकर के. वो रात को 12 घंटे एक टॉयलेट होता है जिसमें 500-1000 लोग भाग रहे होते हैं सर. वहां से लाइन में 3-4 किलोमीटर तक लेके रहते हैं 12-12, 14-14 घंटे. गेट पे पहुंच के उसको बताया जाता है आपकी हाइट कम है इतनी सी आधा सेंटीमीटर आप घर जाओ. सर प्लीज मैं बहुत गरीब हूँ सर बहुत उम्मीद है एक बार दौड़ दे दो सर. नो अगर हाइट कम है तो हाइट कम है सर. गेट से वापस आता है 14 घंटे वेट करने के बाद. जब अंदर जाता है सर 500 लोगों को एक ट्रैक पे बिठाते हैं सर. अंडरस्टैंड द इमोशन जो अगली लाइन में बैठा है और जो 10 लाइन पीछे छोड़ के बैठा है. हर एक को लगता है मैं पहली लाइन में बैठा हूँ क्यों पीछे तक जगह नहीं बनेगी तब तक बहुत लोग चले जाएंगे आगे. एंड सर 1 लाख लोग अपेयर होते हैं वो भी 15-16 डिस्ट्रिक्ट से. एक स्टेट के 15-16 डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 1 लाख लोग अपेयर होते हैं एंड उसमें मुश्किल से 200-250 लोग सेलेक्ट होते हैं. यहाँ पे सी सर व्हाट अ हैप्पी सिचुएशन सर. आपको रेलवे स्टेशन में गाड़ी लेने के लिए आती है, आपको बैरक्स दी जाती है ना. यू आर ट्रीटेड सो वेल. सारा कुछ खाना पीना फूड फैसिलिटी एवरी डैम थिंग. मतलब ऑफिसर बनने की बात छोड़ दीजिए बट व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑफिसर देन ऑल्सो यू आर बीइंग ट्रीटेड सो नाइसली. तो अगर आपको इज्जत ज्यादा चाहिए, तनख्वाह अच्छी चाहिए, आपको है ना सहूलियत ज्यादा अच्छी चाहिए सो प्लीज है ना डोंट बिहेव लाइक ए क्रोनी. यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट. मेहनत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी. यहाँ पे तो घर पे आप बुलाते हैं आपको कि यू क्लियर प्लीज कम है ना. इंटीमेटी और ETA उनसे कोई नहीं पूछता सर. ETA लोग 2-2 दिन पहले आकर के जहाँ रैली होती है वहां पे खड़े होते हैं. रात को देखते हैं खाली ग्राउंड को कि इसमें मुझे दौड़ना है कैसा है ग्राउंड ऐसे ऐसे करके. मैंने कंडक्ट करा के देखी सर. आई टोल्ड मैं बाहर से क्या देख रहे हो, मैं अंदर आके देखो. मैं ग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इट इज यू हु इज गोइंग टू मेक द मैजिक टुमारो. ग्राउंड देखना अंदर आके देखो. फोटो गेट इनके लिए मैं फोटो बना रहे वीडियो बना रहे हैं सर. लोग ऐसे भी हैं जो फेल हो जाता है दौड़ में क्लियर कर लिया और उसके बाद में मेडिकल में फॉर सम रीजन इज आउट. तो एक पतली सी भर्ती होती है उसमें कुछ नहीं लिखा होता सर. नो स्टैम्प नथिंग. उसमें सर ये लिखते हैं रिजेक्टेड. आई हैव सीन कैंडिडेट वॉकिंग विद है ना सर. वो मेरे को पर्ची दे दो सर रिजेक्ट वाई. मैं बेटा अगले सर मेहनत करके आना ठीक है और ये चीज को ठीक करो. उस पर्ची का क्या करेगा? नहीं सर प्लीज सर दे दो. मैंने कहा बेटा क्या करोगे? सर मैं वो घर में दिखाऊंगा सभी को. सर मैंने सर की दौड़ क्लियर की थी मुझे उधर मेडिकल में प्रॉब्लम हुआ. मैं बेटा तो कोई भी नहीं सब चीज. मैं बेटा इसमें स्टैंप नहीं है साइन है. बोला नहीं सर वो मेरे पे भरोसा करेंगे. आप मेरे को ना प्लीज दे दो सर लिख के कि मैं रिजेक्ट मेडिकल में हुआ हूँ यहाँ पे. सो आई यूज टू राइट रिजेक्ट एंड आई लर्न वन थिंग. एंड वहां से मैंने कोरिलेट किया कि एक जवान भर्ती होने जाता है वो इसमें प्राइड लेता है कि मैं पहली फेज क्लियर कर गया रनिंग की और उसके बाद में मेडिकल में मेरे को झटका लगा. एंड ही वॉन्ट दैट पर्ची सर रिजेक्ट हो गया घर में दिखा रहा हूँ. दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी. और यहाँ पे कैंडिडेट आता है जो SSB में रिजेक्ट होता है एंड ही सेज कि आई एम हार्डकोर रिपीटर. सर बहुत फर्क है सोच में.
Given me a choice, I was not for a hardcore repeater. I will prefer to have that Johnny with me in my team because I know wo kaam karke dikhayega mujhe. So it is a genuine request sir to them, na, ki stop calling yourself repeaters. Don't regret. पहली बात तो एक्सेप्ट कर लो कि तुमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं, बिकॉज़ दे आर प्रोफेशनल सर, अच्छा काम करते हैं जो लोग हैं वहां पे, दे नो हाउ टू पिक अप मेन आउट ऑफ अ बॉय. बट जो बंदा खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है सर रिपीटर, हार्डकोर रिपीटर सर, इतना प्राइड ले रहा है, तो उसका क्या इलाज है? दे शुड नॉट फील बैड. मेरे पास जो आता है सर मैं उनको बोलता हूँ, तू जैसा है भाई बहुत अच्छा है, जितनी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सारी मेरी जिम्मेदारी है, जितनी गलतियां कर सकते हो एक महीने में दबा के करो, पहले एक महीने में कुछ नहीं करूंगा सर, सिखाऊंगा, है ना, और जो गलती हो जाए लेक्चर भी नहीं बोल पाते, बोला सर आपने कभी आपने ठीक से नहीं सिखाया, मैं सब सुनूंगा. एक डेढ़ दो महीने के बाद में आई विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ यू, यार इतनी जोर लगा दिया मैंने, अब तो थोड़ा कुछ करके दिखाओ. और एक स्टेज आएगी जहां पे मुझे लगेगा कि ये शायद है ना स्लॉक लेके नहीं थे, उस समय फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, देन आई विल डिमांड आउट ऑफ यू. और नहीं करोगे छाती में मुक्का मार के करवाऊंगा, लेक्चर बुलवाऊंगा, यहाँ नहीं बोलोगे तो मैं बस स्टैंड पे खड़ा करके बुलवाता हूँ सर, मैं बोर इतने लोगों के बीच में. अरे कमरे में लोग बैठे आराम से टाई लगा के, चुपचाप सन्नाटा है, कुछ नहीं, स्टेजेस योर्स है, तुम बोल नहीं पा रहे हो. अब वो बंदा बस स्टैंड पे बोल के जाता ना सर, उसको कोई प्रॉब्लम, कहते सर मेरे को कहीं खड़ा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां बोल लूंगा. नहीं पहले डरते थे. आई एम वेरी हाईली अनऑर्थोडॉक्स, माय वे ऑफ टीचिंग इज वेरी डिफरेंट, बट आई एम एंजॉयिंग इट सर. सो ये कुछ कपल ऑफ ऑन्सेस हैं, टू ऑन्सेस. आई थिंक वेरी वेल पुट राजीव. आई थिंक फर्स्ट टाइम I am hearing this perspective of Jawan versus repeaters. This is how I feel, sir. Sir, candidates में बच्चों में कोई problem नहीं है. First thing मेरे को सबसे ज़्यादा जहाँ मेहनत लगती है ना sir, to revive their pride in themselves. मैंने कहा मैं maths में कहीं पे भी बता सकता हूँ कि 34 number लाना was my ultimate aim. But ये भी पता था वो 34 number की वजह से फौज में ना आ पाऊँ, ऐसा possible नहीं हो पाएगा. तभी मैंने अपने सारे तोड़ दिए वो चिकन बॉक्स के, बट आई वाज मैड अबाउट इट. अब मैं तुम लोग यार प्राइड ही नहीं ले रहे हो, मैं घर में क्या करता हूँ, कहते सर मैं फादर की यार खेती करता हूँ, तो मैं बताओ ना यार ये चीज, कितने लोग हैं जो मिट्टी में काम कर सकते हैं, 80 रुपए कमाता है तू दिन में, लेकिन तू बताता क्यों नहीं है वहां पे एसएसबी में, सर मैं दिन में 80 रुपए कमा के लाता हूँ, एंड आई हैंड ओवर टू माय फादर. आज ही इंटरव्यू था एक बंदे का, आई टुक हिम, ही सेड कि सर आई एम क्लास 12 स्टूडेंट, बट एक वो मैंने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, मुझे 400 रुपए प्राइज मिला, मैं वो डिड दैट प्राइज मारे. He said, sir, I had given it to my mother, sir, and she was so very happy. उन्होंने वो उसको रख लिया, and she said, कि बेटा तेरी पहली कमाई है, जैसे भी तू लेके आया, and she even cried also. You know, sir, this is an answer. It tell me a hell lot of information about that candidate. कि candidate कैसा है, उसका background कैसा है, parents कैसे रहे होंगे. ज़्यादा sir, nobody is looking for rocket science. But वहाँ पे बंदा जाए क्या बताता है, sir, I am preparing for IAS. और जब पूछो कि भी ताजमहल कहाँ पे, बोलते सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है. तो फिर सॉरी सर, आई टेल देम समटाइम है ना, नो इज ए फैंटास्टिक आंसर. यू नो मैं बताता हूँ कैंडिडेट को, मैंने ट्राई करके देखा है, अपनी एसएसबी में ट्राई किया है, व्हेन यू आस्क कि वी टेल बताओ सर आई डोंट नो, बट बताने का तरीका है, अगर आंखें ऐसे शर्मा के कि सर आई डोंट नो सर, कि सर भी इतना डोंट पिटी योर सेल्फ, आंख में आंख डाल के बताओ, डोंट इतना भी नहीं लगना चाहिए लेकिन बंदा सो प्राउड है, इट डजंट नो एनीथिंग, बट एटलीस्ट आंख में आंख डाल के बताओ बिल्कुल. दिस इज सर ऑनेस्टली आई डोंट नो द आंसर, बट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट वंस आई गो आउट ऑफ द रूम. है ना, छोटी छोटी चीजें हैं सर, बट इट मेक्स अ डिफरेंस, आई फील सो. वेरी ट्रू. सो कमिंग टू अ क्वेश्चन फॉरवर्ड, सो हाउ वाज लाइक यू वर सुपर फिट, आज भी सुपर फिट हो, हाउ वाज द एकेडमी जर्नी, हाउ वाज द ओटीए जर्नी, एंड हाउ वाज राजीव एज अ जूनियर कैडेट एंड एज अ सीनियर टर्म. सर आई विल से सर जूनियर टर्म वॉज अमेजिंग, सीनियर बन के सर मजा मेरे को तो नहीं आया सर कोई ज्यादा, बिकॉज सर ढोलक का मजा तभी है ना सर जब वो बजे और दोनों साइड से बजे. सीनियर बनने के बाद में यू लाइक ढोलक जो बज नहीं रही है सर, तो आई नेवर एंजॉयड. जूनियर टर्म में सर इट वॉज अमेजिंग सर, ना सीनियर जब आपके लाइफ में हो रौनक लगाने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर सम मैटर, तो इट वॉज गुड सर. जूनियर टर्म में हम लोग गए थे फर्स्ट टाइम एंड वी वेंट, एंड क्रॉस कंट्री थी सर, थोड़े दिनों के बाद भी थी, आई थिंक जल्दी हो गई थी हमारी बहुत, बिकॉज टाइम इज लेस, तो गए एंड विद इन नो टाइम द क्रॉस कंट्री हैपेंड. मैंने कहा रास्ता बोलो, वो एक आगे आगे आदमी घोड़े पे जाएगा उसके पीछे पीछे जाना है तुमने, मैं अच्छा, तो जब दौड़ना शुरू किया सर, रनर मैं पहले से अच्छा था, पहुंच गया सीनियर से भी आगे निकल गया, और मैंने कहा किधर जाना भाई कोई बताएगा, बोले झंडे झुंडे लगे हैं, तो सर मैं जो रास्ता था वो रास्ता छोड़ दिया मैंने, एंड मैं बाहर पहुंच गया, और मैंने देखा चेन्नई एयरपोर्ट, मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को बाहर भी तो डाल दो तुम लोग,
एक्चुअली आई लॉस्ट द रूट से दोस्त, मैं ना बाहर ही चला गया चेन्नई में, वहां से फिर उसके बाद मैं टू के लॉन्ग रूट एंड ओटीए गेट से घुसा, वहां से दौड़ते तो बोला ये रूट चेंज हो गया कि यहां से कहां से आ रहे कैंडिडेट, एंड फाइनली मैं पहुंचा बट आई फिनिश फर्स्ट इन में बिता रहे। सो इफ यू सी इट्स लाइक बड़ी सी फोटोग्राफ भी है सर, उसमें बहुत बड़ा केक लेके आए थे सारे सीनियर्स, दे सेड कि भाई रौनक लगा दी यंगस्टर में आते हैं ना, तो यार हम इतने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी आते ही तुमने कर दिया कमाल, मैं सर थैंक यू सो मच। तो मेरे को पहली बार सर बिठाया, वो नसीब वो सोफा, हमें चेयर अलाउड नहीं थी जूनियर डब में, नीचे बैठ जाओ चुपचाप, चेयर तो मतलब सपना था कि चेयर पे बैठेंगे, राजा जी वाली फीलिंग कभी नहीं आने दी सर, ऑफिसर तो मतलब दूर दूर की बात नहीं थी। सो दैट वाज वन थिंग, एंड सो एकेडमी में सर लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर, सीखना भी है परफॉर्म भी करना है, फिर सीनियर्स हैं वो हमेशा मतलब सर ऐसा लगता है कि भाई ये ना घोस्ट अननोन कभी भी निकल जाएगा सीनियर, एंड सीनियर्स ने आपकी लाइफ में रौनक लगानी तो यू डोंट रिक्वायर अ रीजन सर, मूड बनना चाहिए बस, मूड बना ही रहता था हमेशा, बोले आओ क्या हो। संडे को भी जिस दिन वो होता था सर आउट पास, तो वॉलंटरली अपना पीछे रहते थे दो तीन लोग कि तुम लोग जाओ यार, तुम लोग अगर सब चले जाएंगे तो इनकी लाइफ में रौनक कौन लगाएगा, तो सेल्फ डिटेल्ड होते सर ड्यूटी पे, इनकी लाइफ में रौनक लगा के रखेंगे, तुम लोग चलो। इट वॉज अमेजिंग टाइम सर, एंड सॉलिड रगड़ा होता था, बहुत तगड़ा रगड़ा था, एंड आई कैन टेल यू कपल ऑफ इंसिडेंसेस इफ यू वॉन्ट मी टू डू सर। मैं बताऊं सर कुछ इंसिडेंसेस इफ यू लाइक सर, सॉरी यू सेइंग समथिंग, नहीं आई वाज टेलिंग दैट all the physicals would have been bahut easy ho gaya hoga na, you know, like it would have been very easy. Physical, sir, physical was no issue only at all sir, kabhi bhi nahi tha. Ek din wapas aa raha tha, neighboring company thi to usme unka officer laga hua tha, he said ki ye chin ups karo, nahi ho rahe the shayad wahan pe theek se, to he said main ja raha tha, kehta main kehta karke dikhao, and main hathiyar jama karne ja raha tha, to maine do din char logon ke aur le rakhi thi cycle, to do idhar tagar ki do idhar pitu ki tha, bottle bhi thi, मैंने नहीं ध्यान दिया सर, मैं गया सीधा लटका वो चार राइफल गैप में अपना करके मैं चलता बना 15-20 करने 10 दिन, उसके बाद में सारे आए कहते हैं बड़ी हेट यू बड़ी इडियट बास्टर्ड, मैं क्या हो गया, मैंने उसे बोला था करने के लिए, कहता तरीका होता है करने का, तो राइफल उतार के भी तो कर सकता था, चार राइफल का करना जरूरी था क्या, कहता फिर तेरे जाने का तुम ज्यादा बचे, मैंने कहा यार रियली यार पता नहीं लगा, फिजिकल वॉज नॉट ए प्रॉब्लम सर। सेकेंड टाइम में जब देसी की भी आप करो अपॉइंटमेंट, तो एक बार पनिशमेंट मिली थी, And I was always volunteer punishment. मैं मेरे को भी ले लो सर, बोला नहीं आपको नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं लागू होना हो करा दो, तो मैं करी सर उसमें भी, आई एंजॉयड, बट सर बहुत आई एम श्योर आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, अकेडमी में होता है ना सर, हर एक कोर्स में कोई ना कोई कंट्रोल स्टोर होता है सर, है ना, जिसकी वजह से सबकी लाइफ में रौनक जबरदस्त लगती है, तो हमारे पास में भी कुछ थे सर, एंड इनफैक्ट एक आधा तो ऐसा भी था जिसको लिए मतलब वी कैन कॉल हिम कोहिनूर, ब्रांडेड डायमंड सर इन आवर ग्रुप, बट ओटी में एक बड़ी यूनिक सी गर्ल होती थी सर हमारे सीनियर्स की, उसमें क्या था सर, जो आदमी कांड करता था सर उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी, नेवर एवर, एक चेयर लगाई जाती थी उसमें उसको बैठा देते थे आराम से, तो बोलते टांग रखो टांग के ऊपर, तो वो जिले लाई की तरह सर राजा जी की तरह से बैठता था, यस कहता हाथ ऐसे कर, बोला सर प्लीज सलाम, तो उसको राजा जी की तरह बैठा देते सर, एंड हैकर लगा के एज इफ इन पनिशमेंट, और एक सीनियर आता था जोर से एंड केन मार के कहता जय छा, साहब ऐसे 68 को दबा करके रगड़ के कि जिंदगी जन्म बनाने की अनुमति चाहता हूं, तो उसको कहता सर प्लीज सर, कहता बड़ी इजाजत हो, कहता शुरू करो प्रोग्राम, जिसने कांड किया सर वो बैठा था चेयर पे, कहता शुरू करो, वो बैठा रहता था और हम लोग बचते थे सर, एंड उसके बाद में फिर आता था फिर केम फिर चलू कि सर इनकी जिंदगी जन्म कर दिया रगड़ दिया दबा के, एंड रगड़े में 5 मिनट की अनुमति देने की वो चाहता हूँ, फिर कहता था ओके गिव ए ब्रेक, फिर आता था कहता सर मैं रिज्यूम रगड़ा, कहता रिज्यूम, उसको कुछ नहीं कहते थे सर, शाबाशी देते थे जिसने गलती की होती थी, तो बाकी सबको रगड़ देते थे, जब वो चले जाता था उसके बाद भी उसके भाइयों प्लीज नहीं भाई तूने बहुत रौनक लगाई तू गया, देन या तो उसी समय सॉर्ट आउट हो जाता था मैटर, या फिर रात को कंबल परेड सर, कंबल परेड, एंड कई बार ऐसा होता है ना सर, हमारा एक बड़ा प्यारा कोचमेट है सर मेरा, मेरी कंपनी टाइप ही है, इंसिडेंटली इनवेबली सर वो हर उसमें लेट होता था, सीनियर बुलाते थे रात को एस्ट्रोनॉट रिंग में आ जाओ, एस्ट्रोनॉट रिंग सो यू आर अवेयर सर, वो एस्ट्रोनॉट रिंग सर, एस्ट्रोनॉट रिंग में क्या होता था, डांगरी में सर इधर दोनों सर और पैर में नीचे रस्सी बांध देते थे एंड पूरे उसके अंदर बजरी डाल देते थे सर, यहाँ तक बजरी भरी होती थी, तो आप ऑटोमेटिकली इस पोजिशन में आ जाते हो एस्ट्रोनॉट वाली में ना, और फिर आप ऐसे ऐसे करके चलते हो,
सर पूरी बॉडी में इतना वेट हो, ऊपर से बजरी हो, तो जितने भी आपके आर्म पेट से ज्वाइंट है उसमें सब जगह कट लग जाता है एंड इट इज वेरी इरिटेटिंग। तो एस्ट्रोनॉट रैंक, फिर कभी बोलेंगे फैंसी ड्रेस, जो भी है झाड़ी लगाओ, कुछ कुछ ना कुछ बन के पहुंचना है आपने। फिर उसके बाद में एसडी, कभी ये ड्रेस, कभी पी कैप के साथ में, कभी पीजी ड्रेस, ऐसे में पहुंचना होता है। मैं हमेशा उसमें फर्स्ट आया, पट्टी हमेशा परे पट्टी परेड सर, पट्टी परे पट्टी परेड सर, करेक्ट। एंड पट्टी परेड के साथ एक ड्रेस भी होती है ना सर, डीपीआर, डर्टी पिटी रिग, हाँ वो तो सर आई एम श्योर आपने किसी सेशन में कवर किया होगा। दैट वाज माय फेवरेट हाँ ड्रेस, मैं जब घर गया ना लेके गया था, माय मदर वोमिटेड, कहती ये क्या है, मैं इसमें मोस्ट प्राइस पोसेशन है, जब भी सीनियर जला देते हैं सर उसको जाने से पहले देसी की बर्न इट, बट मैंने कहा यार इसमें बहुत नहीं करी, ये जलने नहीं दूंगा, तो मैंने इसे छुपा दी अपनी, मैं घर लेके गया था, मैंने शोर इट टू माय मदर ना, कहती यक व्हाट इज दिस, मैंने कहा क्या बात है, आपका बेटा इसमें तो ट्रेनिंग करके आया, कह तुम अफसर बनने गए थे, कहता इतना गंदा तो सुअर भी नहीं रहता जितनी तुम लेकर के आए हो, बट सर इट वॉज मतलब माई प्राइड, ये भाई ये कौम है हमारी, है ना। एंड तो एक सर कोस्टमैन था एंड वो ना सर हर बार ही लेट होता था परेड में, रात को जब भी बुलाते थे सीनियर्स, तो एक उसको दो तीन बार कंबल परेड हुई, हम लोगों ने टोका, उसने बेचारा गिल्ट कॉन्शियस हो गया, मेरी वजह से बेचारे कोर्स में डर के जा रहे हैं, तो रात को ना सर खड़ा होकर के देखता था बार बार इधर, फॉलन तो नहीं हो गया, फॉलन तो नहीं हो गया। एक दिन हमारे लिए गोल्डन डे थे सर, उस दिन हमारा एक्चुअल में कोई फॉलन नहीं था, बट उस दिन सीनियर कोर्स ने प्लान किया था कि एक अपॉइंटमेंट था इसको सॉर्ट आउट करना है, तो देवर गोइंग फॉर द कंबल परेड सीनियर लॉट, हम लोग सो रहे थे उस दिन, तो भाई खड़ा हुआ बाहर निकला, उसने देखा कंबल लगा के ऐसे पोजीशन बना के भाई लोग जा रहे हैं ग्रुप में, उसने बोला लो भाई आज लेट हो गई है और आज रिग गई है, दौड़ के गया सर कंबल लगाया ऊपर, उनके पीछे वो भी पोजीशन लगा के चलने लगा, आगे जाके सर उसने पूछा कि था भाइयों आज किधर फॉरन है, तो उन्होंने बताया कि भी सो सो मिस्टर एक्स आज उसकी सफाई होने जा रही है, तो कहता ओ बाप रे, कहता आज हम सीनियर को पीटेंगे, तो लोगों ने पीछे मुड़ के दिया, कहता ब्लडी गंदू, कहता यू गॉट गट्स टू सीनियर को, कहता सर सॉरी सर मुझे लगा फॉरन हो गया, एंड फिर से उसके बाद में एक रात मिली थी भाई, फिर चेयर पे बैठ गया, फिर उसे परमिशन ली थी इनकी लाइफ में रौनक लगा दे, मैं तू लगवाता ही रही हमारी हमेशा, आज एक दिन मिला सोने का, उस दिन भी सर वो पोजिशन ले ली उसने कंबल लगा के रगड़ दिया हमारे को। एंड अकेडमी में सर आई एम श्योर सर अकेडमी के किस्से तो खत्म ही नहीं होंगे ना, आर्मी लेफ्ट से सैल्यूट मारता, जब पूछ तो लेफ्ट से सैल्यूट क्यों मारा, कहते सर मैंने ऐसे ट्राई किया था बड़ा मुश्किल था तो इसलिए ऐसे डाल दिया। सर क्या टैलेंट देखने को मिला सर, मतलब खुली आंख से आदमी सो जाता है, कमांडोज में भी ऐसे देखने को मिलते हैं सर, दैट इज क्लोजेस्ट टू अकेडमी डेज ना, ऑफिसर इन बीइंग आर्म्ड 24 घंटे में ऑफिसर को पूछ रहे हैं ही इज कमिंग फ्रॉम मणिपुर या यू आर कमिंग फ्रॉम वेयर, ही सेड माय यूनिट इज इन नॉर्थ मिडिल ईस्ट, आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, कहता मिडिल ईस्ट, कहता मिडिल ईस्ट में कब से शुरू होगी इंडियन आर्मी की डेवलपमेंट, व्हिच एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर यू कमिंग, कॉन्फिडेंट सर आई एम कमिंग फ्रॉम मणिपुर, कहता इडियट दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट नॉट इन मिडिल ईस्ट, सिट डाउन, कहता सर 24 घंटे में इतना ही याद आया सर। एकेडमी डेज वाज फन सर, इट वाज एक्चुअली फन, आपके भी एकेडमी में यही होता होगा ना सर, साइकिल वाला कि 4 के स्क्वाड में और यू गोइंग दिस थिंग और 6 के स्क्वाड में जाओगे आप, मतलब यूनियन टर्म में तो यू आर नॉट अलाउड टू वॉक आल्सो, ऑलवेज इन अ स्क्वाड, बट देन पनिशमेंट पूरे रात पनिशमेंट, क्या नहीं सर करा था। है ना सर, वो दैट वाज टाइम अमेजिंग, इनसे कुछ होते हैं कोर्स में, हमने देखा कि भाई हमारे साथ ही नहीं वो सीनियर्स को भी सॉर्ट आउट कर देते थे। आई रिमेम्बर केस, मैस से निकले सर और अपनी कंपनी में जाना था, तो 3 सीनियर्स वर देयर एंड एक हमारा कोर्समेट है उसको बुलाया, कहता तो जोकर कम है, तो उसको सर चौथा जो था अपना साइकिल में अपना लगाना था, बोला कम है, तो उसको कर दिया 4 पूरे को, कहते मूव, उनकी कंपनी आगे थी हमारी पहले थी सर, रास्ते में उस्ताद ने रोक लिया, कहता वेयर आर यू गोइंग, कहता सर उस्ताद हो गया, कहता तुम्हें सीनियर रूल मालूम नहीं, कहता पनिशमेंट 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा बीपीटी, उस्ताद हम तो 4 है, कहते गिनती कराओ 1 2 3, देखा हमारे वाला गायब, फिर उसको पकड़ के अच्छा लेके गया, तुम कहाँ थे, कहते सर माय डेस्टिनेशन हैड कम सो आई टू बी डिटूर, तो उसने 3 लोगों को सॉर्ट आउट किया, वी वर वेरी प्राउड ऑफ हिम, माय गॉड, एंड ही वाज नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, ही वाज लाइक दैट। फिर अगली बार फिर आए सीनियर सर, अगली बार वो उन्होंने बोला खड़े हुए थे बाहर, बोला नहीं इसको नहीं बुलाते, तो 4 लोग आए सर और जाने लगे, फिर उस्ताद ने पकड़ लिया, कहता व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम पनिशमेंट मिली थी 10 मोर बीबीटी, कहते उस्ताद पूरे कहते गिनती कराओ, जैसे 1 2 3 4 5, कह तुम क्या, बोला सर आप लोग उस तरफ जा रहे थे मैं सोचा आपके साथ चलता हूँ, तो इमीडिएट 5 दिस टाइम, अच्छा अरे गजब के दिन थे सर, एंड सीनियर टर्म में सर आई वाज बिजी,
आई वॉज नॉट वन ऑफ दोज जो हू यूज टू पनिश है ना जूनियर्स. मैं सर रात को जब भी आते थे कंपनी में आई यूज टू टेक ए स्टॉक. मैं आज टेस्ट था तुम लोगों का कितने लोग फेल हो गए, तो दे यूज टू टेल कि सर बीपीटी में इतने लोग लुढ़क गए, इतने लोगों से रोक नहीं हुआ, इतने लोगों से चेकअप नहीं हुआ. सो आई यूज टू टेक ए फॉलो ऑन देम, देन आई यूज टू पहले अपना खत्म करके आता रात को, देन आई यूज टू टेक देम फॉर अ लॉन्ग रन. कम ऑन हो जाएगा चक्कर लगा के पुश अप चिन अप रोप्स. बट आई यूज टू इंश्योर कि जितना है कोई फेल नहीं होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए सारे. फिजिकल वॉज डोमेन, सो आई इंश्योर कि जूनियर शुड बी बेनिफिटेड. तो सीनियर टर्म में सर इतना कोई मजा नहीं, जूनियर टर्म में बहुत मजा है. आज भी इवन टूडे यू नो ही इज इन सीनियर रैंक और अपना नेवी में. तो एक बार सामने पूरे पिट्ठू ऑर्डर में आ रहा था, एंड देन यू आर सपोज टू नॉट लुक एट देम, नीचे ऐसे मुंडी करके जाना. तो ये देख लिया बंदे ने ना, तो जा रहा था तो धीरे से बोल दिया कि लुकिंग गुड करके. तो उसने सबको बुला लिया चारों को, लाइक नेक्स्ट टाइम आई सी यू हियर आई विल च्यू योर बॉल्स करके, यू नो. तो अभी हम सब ऐसे खड़े, तो ये उसको क्या बोलता है, ओ सर यू आर नॉन वेजिटेरियन. गुड वन सर. सो कैरेक्टर था ऐसे. तो सो राजीव, यू नो लाइक ऑल दोज हु आर लिसनिंग, जो भी एकेडमी ज्वाइन करने वाले, व्हाट इज योर वन एडवाइस टू सस्टेन इन एकेडमी विद रिस्पेक्ट टू मेंटल टफनेस एंड सम एडवाइस हियर. सर ओनली वन एडवाइस सर, एकेडमी में क्या है, बाकी सब चीज तो हो जाती है. अगेन सर उस्ताद है, ड्रिल उस्ताद है, वो बहुत तगड़े होते हैं, इमोशनल होते हैं. ड्रिल उस्ताद अमेजिंग, यू विल नेवर फॉरगेट इन लाइफ. पीटी उस्ताद बहुत अच्छे होते हैं, ऑफिसर्स बहुत काबिल होते हैं सारे. बट सर आदमी क्या होता है, वो एक मोमेंटरी वो होती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में फिर तो भाई बेटे अपने तुमने जाना ही है ना, भाई कौन सा कारगिल में जा रहे हो. बट वो क्या सर लंबे हो जाते हैं जाकर, दे जस्ट गिव अप. दैट ऑफ द टाइम सर यू शुड बी इन द बेस्ट ऑफ द शेप. आई रियलाइज्ड I was NCC cadet, वो सर ड्रिल सीखने में इतना टाइम लग रहा है लोगों को, एक साथ दोनों हाथ आगे बढ़ा रहा है, वर्ड ऑफ कमांड नहीं आ रही है, फिजिकली आपको दिक्कत हो रही है. इट इज बेटर सर थोड़ा रूटीन सेट करें अपना, है ना, कि अब तो सब कुछ जो है अकेडमी में जाके कर लूंगा. सर वो दिन भी आएगा, तो ओनली थिंग इज वन शुड नॉट गेट इंजर्ड. फिजिकल शेप वन होना चाहिए, बट थोड़ा सा एक रूटीन सेट करो अपने आप को, फिजिकली फिट रखो, सो दैट इफ यू गो देयर ना सर, तो जब आप परफॉर्म करोगे तो खुद को तो प्राइड आएगा ही आएगा. आपके कोर्समेट है, दे विल आल्सो टेल यू कि गुड यार तेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, दैट गिव्स बूस्ट. Officers will also tell कि ये अच्छा है, आप अपॉइंटमेंट भी बनोगे, आप मेरिट लिस्ट भी आपकी ऊपर जाएगी, यू विल बी इन अ पोजीशन टू सेट अ गुड एग्जांपल टू योर जूनियर्स एंड यू विल बी एबल टू हेल्प देम. सो रादर देन सम एकेडमी जाके सीख लूंगा वो करने की बजाय, वंस यू आर सिलेक्टेड यू शुड टेक ए ब्रेक, रिलैक्स, थोड़ा रिजुविनेट हो जाओ, बट उसके बाद थोड़ा सा खुद को सेट करना चाहिए बिफोर यू गो. यू शुड गो इन अ गुड स्टेट फिजिकल एंड मेंटल. सब कुछ वहां जाके नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत आएगी, तो इसलिए पहले करके जाना चाहिए. राजीव बाद में लाइक वंस द एकेडमी वाज एकेडमी से जब पास आउट हुए थे, What is the time you decided कि मैं you know एक particular regiment में जाऊंगा, या I think not to don't want to discuss about the regiment and all, but this part I can handle. तो para was the unique choice जाने के लिए. सर जब academy में था that was the only choice I had in my mind. जैसे फौज के सिवा और कोई option नहीं था, तो यही था कि SF में चले जाना है. तैयारी भी उसी हिसाब से करी, इसलिए कोशिश भी करता था हर जगह भैया है ना अच्छा करूं. एंड फाइनली जब ऑप्शन आए थे तो एसएफ का ऑफिसर भी था, हमारे जीआर का भी ऑफिसर था. जीआर ऑफिसर आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी, बट वो मेरे को डेढ़ महीने दो महीने पहले बुला के, जल्दी होता नहीं बट आई वाज टोल्ड, एटलीस्ट ही टोल्ड मी, कहता यू विल कम टू गुरकास. कुछ कुछ होता है सर, कोई इंस्ट्रक्टर्स है ना, दे ऑलवेज वांट इन सम पर्टिकुलर कैंडिडेट और कैडेट की ये मेरी बिटाल में लेना है. सो मे बी आई डोंट नो उनको कुछ लगा होगा, तो इसे की यू विल कम टू गुरकास. मैंने कहा सर आई वांट टू जॉइन एसएफ, कहता भाई तो मैंने सर बताया कि सर एक्शन है ये वो कर गया, यार बढ़िया कुछ नहीं, इन्फेंट्री में इतनी तगड़ी, यू डोंट नो अबाउट इन्फेंट्री एंड ऑल दैट.
उन्होंने मेरे को 10 रीजन बताया, कहता नाउ यू टेल मी व्हाट यू विल डू। सर आई अंडरस्टूड सर, ऐसे नो यू नॉट अंडरस्टूड। फिर मुझे बताया सर, कहता अब समझ में आई बात में ये सर, कहता क्या समझ में आया, मैं यही सर कि एसएफ ज्वाइन करना है, कहता बड़ी तुम कितनी कोशिश कर ले तुझे नहीं मिलेगी, आई विल इंश्योर। एंड वही बस जब फॉर्म भरा तो चॉइसेस, 3 चॉइसेस यू हैव टू गिव इन टू माय पीसेस अबाउट पेपर। एंड उसके बाद में फिर दोबारा आई ट्राई किया, मैंने मार मार के लिखा गोरखास, दोबारा वो ऐसे वाले कहते बड़ी ज्वाइनिंग वर्कर्स लो, कहते फिर ऐसे मैंने ऐसे भरा, फिर उन्होंने कर दे, फिर मेरा मन टूट गया, मैंने कहा भैया मैं कहीं के लायक नहीं है, वर्कर्स के लायक ना, ऐसा के लायक, तो आई लेफ्ट इट टू गॉड सर। शायद मेरे कोर्स में उसको भी नहीं पता, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल चॉइसेस वर ब्लैक, आई थॉट कि मैं लेट्स लीव इट टू हिम, वेयर एवर ही सेंड मी इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी, सो आई नेवर डाउटेड देयर आफ्टर हिज टाइमिंग्स एंड हिज डिसीजंस। So I finally landed up in Gurkhas in a very, very elite battalion, sir. 5th battalion, the 1st Gurkhas. An amazing unit with a very rich history and culture, an amazing set of men, GCOs and Jawans. I'm proud, sir, that I'm a Kanchar. And as the time passed, I graduated, I never thought. And then when it came, I got approved in my command, so then I got a this thing, we want to place you at base XYZ. And I said, मैं ये क्या करती है फौज, क्या है? स्पेशल फोर्सेस है, मैं मरून लगाते हैं, बोला मैं बस बात कर रहा हूँ, भेज दो, बोला पता करना है, बोला ये, मैंने कहा नहीं बस कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स लाइफ इज रनिंग अराउंड इन सर्कल, समथिंग व्हिच आई वांटेड फॉर सो लॉन्ग नाउ हैज कम बैक टू माय किटी एंड प्लीज सेंड मी हियर। एंड कमांड वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, लिव्ड एवरी मोमेंट अमेजिंग, नथिंग कुड हैव बीन बेटर। सो बोथ द रिक्वायरमेंट्स वर बेस्ट एंड टुडे आई सी that I'm a stunt supporter and one of the biggest brand ambassador for Gurkhas as well as for people in Maroon fraternity. I don't require, in fact for that matter sir, मैं तो ये भी कहता हूँ लोगों को ना कि आर्मी एयर फोर्स नेवी मैं तुम्हारा नजरिया मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता अदर देन यू नो कलर ऑफ यूनिफॉर्म वो अपनी पर्सनल चॉइस है ठीक है काम करने का तरीका सबका अलग है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट डोमेन आपका इलाका है कोई हवा में काम कर रहा है कोई पानी में काम कर रहा है कोई जमीन में काम कर रहा है And let's not get into like, I'm from NDA, I'm from OTA, I'm from IIM. I absolutely don't believe in this nonsense. बहुत लोग बात करते हैं, उसमें से ठीक है कि I'm from this squadron, I'm from this batch. वो होना भी चाहिए. But beyond this, when we get into this kind of thing, ना सर, वो somehow मतलब not my cup of tea. क्या फर्क पड़ता है सर? मैं army से हूँ, आप navy से हैं, we are connecting for the first time, but I get positive vibes. Yeah, you had been kind to me that we got connected. So what are the differences? कई बार आदमी 5 मिनट में भी मन बैठता है कहीं पे और कई बार 20 साल में भी कहता है यार थैंक गॉड इससे पीछे छूट गया। So I got both the best of everything. So I could not have got a better battalion than where I got commission and not I could have expected or got better battalion than what I commanded. They have given me the best and whatever I am today, sir, it is only because of these two great units and units where I have served on deputation. Great, great. So good Rajiv. So you know, like चलते चलते, maybe I will have one more session with you exclusively on you know the Zoom link for selected set of people. There we will talk about some operations in JNK and you know your operational life. ये specifically I had kept it for the students and that segment. What is parting advice to all those youngsters? I think most of them are appearing, a lot of them are appearing in the for various exams in the near future. So, as Colonel Rajiv and as a cadet yourself, some point of time, kya advice hoga, you know, to end with? Sir, मैं हमेशा बताता हूँ candidates को कि दो तीन चीजें से when they are preparing, sir, firstly they should put their heart and soul. Sir, मैं कर रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, don't do this करके दिखाओ एंड देयर इज ओनली वन वे सर ईमानदारी से मेहनत करो मैंने ऐसा कैंडिडेट भी देखा सर वो स्कोर 99% एंड उसको लगता है मैं एग्जाम ऐसे क्लियर कर लूंगा लेकिन नहीं कर पाया यू नो पीपल आर वर्किंग हार्डर फॉर देम दूसरा सर अपना जितना भी टाइम आपके पास में एग्जाम से इट इज नॉट इन द नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स बट आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वही 24 घंटे हर एक कैंडिडेट के पास में है सर बट एक पूरा शिद्दत से काम करता है तो दूसरा कैंडिडेट कहते हैं सर मैंने आज 4 घंटे मेरे पढ़ लिए तो देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच व्हाट आई टेल माय कैंडिडेट माय यू आर नॉट ऑथराइज्ड इन एनी टाइटल एनी संडे एनी सेलिब्रेशन टिल द टाइम व्हेन वी डू अचीव आवर टारगेट यू नो मैं तुमने होली दिवाली मकर संक्रांति करवा चौथ जो बनाना है उसके बाद बनाओगे
बैलेंस ऑफ द कैंडिडेट इन हिंदुस्तान देयर स्लीपिंग इन की डे डिक्लेयरिंग किया संडे आ तो आराम से उठेंगे, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं बुलशिट, मैं यू विल वर्क इवन हार्डर ऑन संडे, यू विल गेट बेड एट 4:30 एंड इफ यू आर गेटिंग इट 5 अदर डेज। क्यों सोने दो, बाकी लोग अगर आज 9 बजे उठ रहे हैं तुम 4 बजे उठो, उनके उठने से पहले 5 घंटे की लीड ले लो। अगर इंटेलिजेंट नहीं हो कोई बात नहीं, मेहनती तो हो ही सकते हो, ईमानदारी से 5 घंटे करोगे कुछ तो दिमाग में जाएगा। एंड व्हेन दे प्रिपेयर सर, आई हैव सीन दे रिलाय टू मच ऑन द मॉक टेस्ट एंड एकेडमीज एंड ऑल दैट। सर इट इज नॉट व्हाट यू स्टडी बट इट इज हाउ यू स्टडी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर ऑफ रिविजन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साइंस ऑल्सो टेल्स 82 to 84% इट इज बाउंड टू बी यू नो आउट ऑफ द कैनवस, ऊपर वाले मैग में से खाली हो जाना है इफ यू डोंट रिवाइज। सो बेटर इज आई सजेस्ट वन तरीका, पहले सुबह उठो, जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है वो सुबह निपटाओ, बिकॉज़ यू नो दिमाग एकदम फ्रेश होता है, देयर इज नो क्लटर, नो फोन कॉल, नो सोशल मीडिया, फर्स्ट किल दैट इज हार्ड सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से आप अपना बना के एड्रेस करो सब्जेक्ट्स को। शाम को पक्का 2 घंटे 3 घंटे अपने पास में रखो कि पूरे दिन में जो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट उसको एक बार पूरा रिवाइज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। तो एक ही दिन में जो भी आप एक बार पढ़ रहे हो 2 बार पढ़ोगे। एंड सैटरडे को आई एम टेलिंग यू जस्ट टेक ए कंप्लीट ब्रेक, पूरा आराम करो, मूवी देख लो, जो भी करना करो। एंड संडे को प्लीज गेट अप अर्ली एंड पूरे हफ्ते में जो पढ़ाई है उसको पूरा एक बार खा लो बेटर, दैट इज अ वे आपकी साइकिल बनी रहेगी। एंड संडे को पूरा दिन निकाल दिया, पूरे जो हफ्ते में पढ़ाई को रिवाइज कर दिया। आई कैन बेट माय बॉल्स ऑन दिस कि शायद ही है ना कोई दो लोग भी ऐसा करते होंगे। सर नहीं करते कोई अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर जा रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, इंटेलिजेंट नहीं, ईमानदार बनो अपने लिए ना, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मेहनत करके सर मैं बच्चों को बताता हूँ कि मैं, मेरे को वो इंटेलिजेंट आदमी नहीं चाहिए, इनफैक्ट फौज को भी शायद नहीं चाहिए ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, दे जस्ट लुकिंग फॉर ओवरऑल वेल राउंड अपना दिस थिंग। एक एग्जाम्पल तो सर आप ही के पास में बैठा कोई नहीं रहा है ना सर। वैसी हाँ सर क्या सर, हम सब वैसे ही हैं, वही कैटेगरी के। मैं भी बोला सर हम सारे बड़े एवरेज ही रहे हैं सर, बट हाँ देयर वर सम फ्यू गुड थिंग्स अबाउट अस है ना, वी वर। तो सर ओवरऑल इंटेलिजेंट आदमी को मेहनत करके मैं ईमानदार नहीं बना सकता, बट ईमानदार आदमी की मैं गारंटी लेता हूँ, ईमानदार आदमी मेरे पास है सर, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ मैं उसको इंटेलिजेंट बना दूंगा मेहनत करके। सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड ऑल दोस हु आर फॉलोइंग सर, आई एम टेलिंग यू थ्रू सर, यार बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। एंड दूसरा है ना अपने माँ बाप के लिए करो मोर देन एनीथिंग है ना, डू इट फॉर योर पेरेंट्स, उन्होंने लाइफ आपसे ज्यादा दिक्कत देखी है, आप लोगों ने सहूलियत ज्यादा है, ठीक है। सो जब तक माँ बाप पैसे दे रहे हैं ना तब तक आप ये शौक पूरे कर रहे हो, मोबाइल शोबाइल एंड एवरीथिंग, जिस दिन खुद कमाने लगोगे 2 पैसे उस दिन कोई मजे नहीं करेगा तुम्हें से, मैं लिख के दे रहा हूँ सर। 2 चीजें करोगे, एक जिम्मेदारी पूरी करोगे और दूसरी जरूर करोगे। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, ईमानदार रहो यार और मेहनत करो, और देखो बार बार करने की बजाय ना अच्छा है एक बार भी इशू क्लियर कर दो, यू नो जितनी बार जाओगे चाहे रिटर्न है चाहे SSB है सर, वही 3 घंटे का एग्जाम होगा, वही सब्जेक्ट आएंगे, वही बार बार आंखों के सामने आएगा, प्लीज चूज ऑप्शन ABCD। बार बार SSB पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, व्हाट इफ यू रिजेक्टेड, डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड। तो बार बार यार उन चीजों का जवाब देने से अच्छा है सर आई सजेस्ट ना एक बारी भी पूरी ईमानदारी से जवाब दो कि सर दिस इज वॉट रियल मी, अब आप बताओ मैं पसंद आ रही है। मैं तो जब तक पहुंचा था सर मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी थी अगर इन्होंने मुझे नहीं लिया तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लॉस हो जाएगा इनको। आई स्टार्टेड गेटिंग दिस फीलिंग सर। मैं आई वुड इंटरप्ट हियर क्योंकि फोन का चार्ज इज गेटिंग ओवर एंड वी विल कनेक्ट अगेन। थैंक्स राजीव, इट वाज ग्रेट सेशन एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, राजीव प्लीज फॉलो कर्नल राजीव ऑन इंस्टा एंड आई थिंक इट्स प्रोफाइल इज सच अ वंडरफुल, आप सबको बहुत मदद होगा वहां पर। राजीव यू नो हैज एन एकेडमी। सर आई एम कमिंग विद द, आई विल जस्ट टेक ओनली 1 सेकंड सर, आई हैव जस्ट स्टार्टेड है ना एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू किया मैंने विद द नेम ऑफ सोल्जर अनप्लग्ड। ओके सोल्जर अनप्लग्ड, आई जस्ट पुट इन 2-3 वीडियोस, माय बिगेस्ट हैंडीकैप इज टेक्नोलॉजी, बट सर आई एम टेलिंग यू आई वांट टू कन्वे थ्रू योर पोडियम सर, थैंक्स टू पीपल, एक लड़की एक प्रियंका हु इज इन कटक, देयर इज अ बॉय है ना जो जवान के लिए अपनी तैयारी कर रहा है अभिषेक फ्रॉम राजस्थान, अभी भी जो मैंने व्हाट्सएप पे लगाया सर, दे आर मेकिंग इट फॉर मी एंड दे आर गाइडिंग मी, सर आप इसको ना इधर फिंगर करो, आप वैसे करो, सो माय लोड्स ऑफ लव एंड थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल दीस यंगस्टर्स हु आर हेल्पिंग मी एट दिस मोमेंट। थैंक्स टू यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, इट हैज बीन ऑनर, वेरी काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। लेजर राजीव, विल कैच अप, विल कैच अप, लव यू ऑल, थैंक यू, जय जय राजीव सर।